आज का विषय है कार्यालय प्रबंधन। आज सरकारी सेवक के लिए जो है आचार नियमावली और कार्रवाई, अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में पहला जो विषय है कार्यालय प्रबंधन। जब आपका शिविर का आप संचालन करते हैं तो वहाँ कार्यालय का प्रबंधन शुरू होगा, तो आप उसी स्थिति में कार्यालय प्रबंधन के लिए क्या तैयारी कैसे करेंगे, इस संदर्भ में आपको चर्चा कर रहे हैं। कार्यालय प्रबंधन आपका सभी कार्यालय में विभाग स्तर से या निदेशालय स्तर से या ऊपर के कार्यालयों से पत्र प्राप्त होती है, उन पत्रों को कैसे रखा जाएगा, और फिर आपके कार्यालय से उन पत्रों का जवाब उत्तर दी जाती है या किसी प्रकार का पत्राचार किया जाता है, तो उसे कैसे संधारित करेंगे, किस पंजी में संधारित करेंगे, किस गार्ड फाइल में आप रखेंगे, रक्षी संचिका में रखेंगे, इस संदर्भ में चर्चा हो रही है। ये आप जान लें कि राज्य सरकार के अधीन सभी कार्यालय बिहार बोर्ड मिसलेनियस रूल 1958 के अंतर्गत कार्य करते हैं। साथ ही सचिवालय स्तर की जो कार्यालय होती है वहां के लिए सचिवालय अनुदेश होता है, उसके अंतर्गत वहां के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी या अन्य जो वरीय पदाधिकारी होते हैं वो सचिवालय अनुदेश के अंतर्गत सचिवालय का कार्यकलाप का संपादन किया जाता है। और साथ ही रिकॉर्ड एक मैनुअल है 1961 जिसमें दी गई है कि उसमें कि कौन सी पंजी किस प्रपत्र में बनेगा, उस पंजी की संख्या क्या होगी। तो इसी प्रकार आप उस रिकॉर्ड मैनुअल 1961 के अनुसार ही आपको इन कार्यालय प्रबंधन में उसका विशेष महत्व है। जैसे आप अपने शिविर में या जिला बंदोबस्त कार्यालय में अगर हैं तो सभी पंजियां पर क्या होती है कि पृष्ठ प्रमाण पत्र पदाधिकारी के द्वारा आप भी प्रमाणित होना चाहिए। कोई भी अगर रजिस्टर आप बनाते हैं तो उसे पेजिंग पहले करते हैं और प्रथम पृष्ठ पर जो आपके कार्यालय के हेड होंगे वो उनके द्वारा उस पंजी को अभी प्रमाणित करते हैं, पेजिंग सर्टिफिकेट देते हैं कि इस पंजी में कितनी पृष्ठ है, वो एक से लेकर अंतिम पृष्ठ तक का वो पेन से उस पृष्ठांकन करते हैं और उसके बाद आपके जो कार्यालय के हेड होते हैं उनके द्वारा अभी प्रमाणित होना चाहिए, पहला यह है। उसके अंतर्गत अब रहा कि जिसे इंडेक्स रजिस्टर है बनता है, अनुक्रमण पंजी हिंदी में बोलते हैं, इंडेक्स रजिस्टर पंजी संख्या 62 है, ये आपका बिहार हस्तक के नियम 12 के अनुसार अनुक्रमण पंजी की संधारण की जाती है। अनुक्रमण पंजी के ऊपर में अगर इस पंजी जो रहती है वो उसके ऊपर में अनुक्रमण पंजी अंकित हम करते हैं, आप लिखेंगे, उसे इंडेक्स रजिस्टर भी बोलते हैं। प्रत्येक कार्यालय में प्राप्त होने वाले पत्रों के लिए विषय जो होती है उन विषय को अलग अलग संचयन करके खोलते हैं, संचिका खोलते हैं, इसलिए उसमें विषय और अब विषय का जो संख्या देते हैं वो रोमन लिपि में होना चाहिए, 1, 2, 3, 4 वो रोमन लिपि में होगी। आप देखे होंगे कि फाइल नंबर पर उस विषय का नंबर डाला रहता है, इसी इंडेक्स रजिस्टर में पहले उस विषय बार, जैसे मान लीजिए शिविर में है तो आप उसमें देंगे कि जिला बंदोबस्त से प्राप्त होने वाली, भू अभिलेख निदेशालय से प्राप्त होने वाले पत्र, इस तरह से जितने संबंधित होते हैं विषय से संबंधित वो अनुक्रमण पंजी में इंडेक्सिंग किया जाता है। फिर उसके बाद कार्यालय में बाहर से प्राप्त पत्रों की पंजी, ये आपका पंजी संख्या 60 है जो बिहार हस्तक के 1961 के नियम 8 के अनुसार प्राप्त पंजी बनता है।
और उसी पंजी में आपके प्रत्येक कार्यालय से जो पत्र प्राप्त होते हैं उनका पंजीकरण किया जाता है, उसमें एंट्री की जाती है। एक है वो क्रमवार होता है और तिथिवार होता है। जिस पहले आएगा वो पहले चढ़ेगा, उसके बाद वाली तिथि की एंट्री की जाएगी, उसके बाद वाली की जाएगी। और ये पंजी जो होती है प्रत्येक वर्ष आपका कैलेंडर वित्तीय वर्ष के अनुसार नहीं होता है, ये कैलेंडर ईयर के अनुसार होता है। यदि मान लीजिए कि 2020 में 1 जनवरी 2020 को प्राप्ति पंजी खोला जाएगा, यदि मान लीजिए कि अगर नेक्स्ट ईयर आया तो 2021, तो 1 जनवरी 2021 को ये आपका पंजी नया संधारित किया जाएगा। ये वित्तीय वर्ष के अनुसार नहीं खोला जाता है, ये है, ये आप जान लें। इस पंजी में आपका कॉलम होती है, पहला क्रम संख्या किससे प्राप्त हुआ, उस पदाधिकारी का नाम, फिर पत्र की संख्या, फिर तारीख, विषय, पत्र कहाँ रखा गया, किस फाइल में रखा गया, जो आपका इंडेक्स होगी उसमें इंडेक्सिंग में करेंगे किस फाइल में रखा गया, और प्राप्त स्मार पत्र, यदि मान लीजिए पत्र पर पहले आप उत्तर दे चुके हैं, पुनः फिर उसी पत्र से संबंधित अगर स्मार पत्र दे रहे हैं, रिमाइंडर कर रहे हैं, इसमें भी कॉलम होती है, कॉलम 7-8 में लिखना होता है और उसकी उत्तर की संख्या तारीख दी जाती है। इस तरह से प्राप्त पंजी एक होगी। आप शिविर में भी जब आप काम आपकी होगा, सर्वे शिविर चलेगी, तो वहां एक प्राप्त पंजी आपके द्वारा संधारित किया जाएगा। जो भी बाहर के कार्यालयों से पत्र प्राप्त होगी उस प्राप्त पंजी में एंट्री आप करवाएंगे, जिसे रिसीट रजिस्टर भी कहते हैं। फिर उसके बाद आपके कार्यालय से जो भी पत्र निर्गत होती है उसकी भी एक पंजी होती है, उसे कहते हैं निर्गत पत्रों की पंजी। वो आपका ये पंजी संख्या 61 होती है और इस ये बिहार रिकॉर्ड मैनुअल के नियम 8 के अनुसार संधारित किया जाता है। इसके है ये भी जो है प्रत्येक कार्यालय में के लिए संधारित होती है। दो पंजियां, एक होती है साधारण पंजी और एक होती है महत्वपूर्ण। अगर इम्पोर्टेंट लेटर अगर निर्गत हो रही है तो आपका उससे निर्गत होगी और साधारण होती है, ये भी पंजी दो होती है, एक साधारण एक महत्वपूर्ण पंजी। निर्गत पंजी ये भी पंजी आपके कैलेंडर ईयर के अनुसार संधारित किया जाता है, न कि वित्तीय वर्ष के अनुसार, ये आप जान लें अच्छी तरह से, क्योंकि वित्तीय वर्ष क्या होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो ये वित्तीय वर्ष होता है। तो ये सभी पंजिया जो है आपके कैलेंडर ईयर के मुताबिक संधारित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को नई पंजी का संधारण किया जाता है। इसमें भी आपका प्रपत्र है, वो कॉलम है, ये है कि पत्र, पहला कॉलम है क्रम संख्या किसकी संबंधित पदनाम और स्थान किस कार्यालय के लिए किस पदाधिकारी के नाम से वो आप निर्गत कर रहे हैं उसका पदनाम होता है, फिर विषय लिखा जाता है, कहाँ रखा गया, अनिर्गत स्मार पत्र, संख्या और तारीख, उत्तर संख्या और तारीख होती है, इस प्रकार वो छपी हुई मिलती है, वो आपका निर्गत पंजी होगी। निर्गत पंजी दो बना सकते हैं आप, वो आप साधारण और महत्वपूर्ण जो शिविर में ये आवश्यक है। फिर है पत्र प्रेषण पंजी, फिर है पत्र प्रेषण पंजी, किसी भी कार्यालय में जितने पत्र निर्गत किए जाए उन्हें किस माध्यम से संबंधित पदाधिकारी को भेजे जाते हैं, डाक के माध्यम से, या जो आपके यहाँ आईटी बॉय होंगे, ग्रुप डी स्टाफ होंगे, उनके माध्यम से, वो रजिस्टर अलग अलग होती है, उसमें एंट्री की जाती है। और यदि मान ली लोकल हैं तो आईटी बॉय होंगे, ग्रुप डी स्टाफ होंगे, वो आपकी उनके पास पंजी होती है, उसमें एंट्री आप करेंगे और वो उस कार्यालय में जाकर उसी पंजी पर उस कार्यालय के में जो पदस्थापित लिपिक होते हैं उन्हें प्राप्त कराते हैं। इस प्रकार से यह हुआ। एक आप हो गया निबंधित डाक से भी पत्र भेजा जाता है, उस स्टाम्प भी लगती है, वो उसकी भी पत्र प्रेषण पंजी होती है, वो अलग होगी कि डाक से कौन कौन सी पत्र भेजी गई है, कितना का स्टाम्प लगाया गया, वो उसमें एंट्री होती है। अब साथ ही एक स्टाम्प पंजी भी होती है, सरकारी ऑफिस है, कोई भी आदमी जो अपने पॉकेट से पैसा नहीं लगाएगा तो क्या होता है कि डाक के लिए स्टाम्प लगती है, वो आप जो आपके यहाँ पोस्ट ऑफिस होगी वो आपकी क्रेडेंशियल से स्टाम्प टिकट आप खरीद कर अपने लिपिक को देंगे, उसे संधारित करेगा, वो अलग एक पंजी होगी जिसमें आप कितना वो टिकट खरीद कर लाया और कितना वो भेजा, उस तरह से वो मेंटेन करता है। स्टाम्प पंजी जो है प्रत्येक कार्यालय जिनके पत्र निर्गत होते हैं उन निर्गत पत्रों में
जिन्हें डाक से स्टाम्प लगाकर भेजा जाता है उसे दैनिक विवरण स्टाम्प पंजी में दर्ज किया जाता है, ये आप जान लें। क्योंकि स्टाम्प जो खरीदेंगे एक सरकारी कार्यालय, उसका एक विवरण होना चाहिए कि कितना हमारा स्टाम्प हम परचेज किए स्टॉक में और कितना हम डाक से भेजे और कितने किस कार्यालय को भेजे, कितना स्टाम्प लगा उस हिसाब से उसमें मेंटेन किया जाता है। इसलिए इसके लिए भी एक स्टाम्प पंजी बनाया जाता है। फिर है एक रक्षी संचिका, बार बार आप सुने होंगे कि रक्षी की संचिका गार्ड फाइल इसको बोलते हैं, ये भी बिहार बोर्ड मिसलिनियस के नियम 60 के अनुसार रक्षी संचिका का संधारण किया जाता है। आप जब स्वघोषणा लेते हैं उसे रक्षी संचिका में आप उसको पेस्ट करके रखते हैं। आप बंसावली लेते हैं प्रपत्र 3(1) में, उसे भी आप रक्षी संचिका में संधारित करते हैं। और साथ ही इस कार्य के अलावे भी आपके जो जिला से पत्र आएंगे उसकी रक्षी संचिका अलग होगी, अगर निदेशालय से अगर आ रही है तो उसकी रक्षी संचिका अलग होगी। इस प्रकार से कई प्रकार के रक्षी संचिका का संधारण करेंगे, उसके लिए वो विषयवार और है। फिर एक कर्म पुस्तिका होती है, लिपिक होते हैं, जितने पत्र वो आपके कार्यालय में आएगा उसको रिसीट किया जाएगा और रिसीट करने के बाद क्या होगा कि वो संबंधित लिपिक को लॉग बुक होती है, कर्म पुस्त होती है, उसमें एंट्री कर दिया जाता है। वो जो रिसीट करते हैं वो लिपिक जो संबंधित लिपिक होते हैं उनके लॉग बुक में कर्म पुस्त में उसको एंट्री कर देते हैं और फिर उसी के हिसाब से अपत्र भी उन्हें दे देते हैं। उसी हिसाब से वो लिपिक संबंधित फाइल में लगाते हैं और लगाकर उन पत्रों का पत्राचार करने हेतु या आवश्यक कार्रवाई हेतु वो अपने वरीय पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापित करते हैं। ये भी लॉग बुक प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के प्रथम माह में इसे प्रारंभ किया जाता है और विगत जो भी है क्रम पुस्त खोलने के पूर्व विगत वर्ष के लंबित पत्रों को प्रथम दृष्टि पर लाल स्याही से अंकित किया जाता है उस क्रम पुस्त में। और इस क्रम पुस्त में भी आपका प्रपत्र है, ये क्रम संख्या होती है, पत्र प्राप्ति की तिथि, प्राप्त संख्या और पत्र संख्या, तिथि और संचयन संख्या और उपस्थापन की तिथि, उत्तर की आवश्यकता है या नहीं, 8 है की गई कार्रवाई, भेजे गए उत्तर की संख्या, इस तरह और अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार से अपने लिपिक जो है वो कर्म पुस्त में मेंटेन करते हैं, इतनी चीजें वो भरी होती है। जब भी कोई इंस्ट्रक्शन होगी तो आप उसी लिपिक के कर्म पुस्त को भी लॉग बुक को वरीय पदाधिकारी के द्वारा मांगा जाता है और रिसीट रजिस्टर भी देखा जाता है कि कितनी पत्र प्राप्त हुआ, कितना निर्गत हुआ और जो रिसीट हुई है वो पत्र किस लिपिक को गया, उसके कर्म पुस्त में एंट्री है कि नहीं, अगर कर्म पुस्त में एंट्री है तो लिपिक के द्वारा क्या कार्रवाई की गई और क्या उसमें अगर बाहर किसी बाहरी कार्यालय को अगर पत्र उसका उत्तर दिया गया तो उसमें एंट्री है कि नहीं, तो इस प्रकार से उसकी भी समीक्षा की जाती है। साथ ही एक है लंबित पत्रों की पंजी पड़ती है बनती है, आपके सीवी में भी बनाना जरूरी होगा। लंबित पत्रों प्रत्येक कार्यालय में लंबित सूची एक पंजी में संधारित होनी चाहिए। अब पूर्व के वर्ष में जितनी लंबित पत्र हैं उसे ऊपर में लाल स्याही से अंकित दर्ज करना चाहिए। कृषि भी कार्यालय में सहायकों की कर्म पुस्त में दर्शाए गए लंबित पत्रों को समेकित विवरणी भी प्रविष्टि इस पंजी में करते हैं। आपका लंबित पत्रों की पंजी और प्रत्येक पंजी प्रत्येक माह के 10वीं तारीख तक प्रभारी पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापित करने का उत्तरदायित्व इस कार्यालय के प्रधान सहायक को होता है। तो आप लोग शिविर में रहेंगे, वहां 2 लिपिक रहेंगे, तो उसी स्थिति में एक रिसीट करेंगे और सभी के लॉग डॉक्यूमेंट्री करेंगे क्या कार्रवाई की गई और उसकी भी आप सभी को, सभी कानूनगो हैं, अमीन हैं, आपके यहाँ ASO हैं, उनके यहाँ वो अपनी संचिका में रक्षित कर और उसकी कार्यवाही कर वो आपके शिविर प्रभारी को उपस्थापित करेंगे, उनके द्वारा जो आदेश दिया जाएगा उसी हिसाब से अनुपालन होगी, इस प्रकार होगी। एक है आकस्मिक अवकाश की पंजी, आप जब कभी छुट्टी लेते हैं है तो उसी स्थिति में आवेदन पत्र देंगे, उसे भी कहीं ना कहीं एंट्री किया जाएगा, उसके लिए भी आकस्मिक अवकाश पंजी का भी संधारण किया जाता है। ये प्रत्येक कार्यालय में इस भीत प्रपत्र में इस पंजी का संधारण आवश्यक है। आप जिस भी कार्यालय हो या समन्वय स्तर का हो, ब्लॉक हो या जहां हम लोग काम करते हैं भू अभिलेख निदेशालय हो, सचिवालय हो, सभी जगह भी आप जानते हैं कि आकस्मिक अवकाश लेते हैं, जब कोई आवश्यकता पड़ गई अचानक हम अवकाश लेते हैं उसे ही आकस्मिक अवकाश कहते हैं।
और ये भी जान लें कि अवकाश जो है कभी भी अधिकार नहीं होता है, वो हमारे जो हेड होते हैं उन पर डिपेंड करता है कि अवकाश जो है स्वीकृत किया जाए या अस्वीकृत किया जाए। और ये जब स्वीकृत होगी उसी आकस्मिक पंजी में एंट्री होगी, आप सभी संविदा कर्मी हैं अगर या सरकारी सेवक हैं, उन्हें एक वर्ष में 16 दिन आकस्मिक अवकाश दिया जाता है। वो सचिवालय से छोड़कर सवाल है समन्वय स्तर की जो भी कार्यालय है वहां 16 दिन, यहाँ वर्किंग डेज 6 डे इन वीक है, आप समझ लीजिए 6 डे इन ए वीक है, एक सप्ताह में 6 दिन कार्य दिवस है तो 16 दिन, अगर एक सप्ताह में 5 कार्य दिवस है तो 12 दिन आकस्मिक अवकाश दिया जाता है। और इसी की प्रविष्टि आप जब भी लेंगे आकस्मिक अवकाश, इसी आकस्मिक पंजी में एंट्री की जाती है, जिसे कैजुअल लीव भी बोलते हैं, सीएल रजिस्टर। फिर एक पंजी और बनेगी, प्रतिवेदन और विवरणी का प्रेषण। आप प्रतिवेदन भेजेंगे अपने जिला बंदोबस्त कार्यालय को, भू अमलिक परिमाप निदेशालय को, उसके भी एक होगी। प्रत्येक कार्यालय में विभिन्न प्रकार के प्रतिवेदन और विवरणी उच्च अधिकारियों को भेजी जाती है। प्रत्येक कार्यालय में एक चार्ट संधारित होगी, आप अपने शिविर में एक चार्ट संधारित करेंगे कि कौन सा प्रतिवेदन किस माह तक, किस तारीख को, माह के किस तारीख तक किस कार्यालय को भेजी जानी है, वो आपको उस चार्ट पर अंकित रहेगा। बहुत सी विषय रहेगी जो साप्ताहिक प्रतिवेदन देते हैं, फिर पाक्षिक देते हैं मैंने फॉर्टनेटली, फिर मासिक देते हैं, मंथली देते हैं और अर्धवार्षिक या वार्षिक प्रतिवेदन भी देते हैं। तो आप अभी वर्तमान में सर्वे में आप तो जो काम करेंगे उसके लिए एक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनी हुई है MIS, उसके अंतर्गत आपको प्रत्येक दिन जो है जो काम करेंगे आपके द्वारा वो अपलोड करेंगे, वही आपकी प्रगति प्रतिवेदन हो जाएगी। साथ ही इसके अलावा भी आपको साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन आपके शिविर के द्वारा जिला बंदोबस्त को भेजी जाएगी, जिला बंदोबस्त जो है वो प्रगति प्रतिवेदन भू अभिलेख निदेशालय को भेजती है और इसके साथ साथ वो मासिक भी भेजती है। इस तरह से प्रतिवेदन और विवरणी का प्रेषण का भी एक चार्ट बनाकर अपने शिविर में रखेंगे ताकि वो पता चल जाए कि कौन सी विषय की प्रतिवेदन साप्ताहिक भेजनी है, पाक्षिक भेजनी है, मासिक भेजनी है। अब आइए कार्यभार तालिका, जो लिपिक हैं उनको कौन कौन सा काम दिया गया है। तो प्रत्येक कार्यालय में संपादित होने वाले कार्यों का विवरण और उस कार्यालय में पदस्थापित सहायकों के मध्य उनकी वरीयता और कार्य दक्षता को देखते हुए कार्य का वितरण किया जाता है। तो उसी स्थिति में किसी भी लिपिक को कौन कौन किस किस विषय में कौन कौन सा कार्य दिया गया है वो जहाँ लिपिक बैठते हैं उसके पीछे में, उनके कुर्सी के पीछे में एक आपका कार्डबोर्ड पर या है कार्यभार तालिका भी रखा जाता है, जिसमें वो लिपिक को कौन कौन सी काम दी गई है कार्य करने के लिए वो उस पर अंकित रहता है। साथ ही एक संधारित पंजियों की सूची है, किसी भी कार्यालय में जितनी पंजियां संधारित की जाए उसे भी एक सूची कार्यालय में रखी जाएगी और कौन कौन पंजी किन किन लिपिक के पास में है उसका भी नाम लिखा जाता है। इस प्रकार संधारित पंजियों की सूची भी तैयार की जाती है। साथ ही आप को आवश्यकता पड़ेगा क्योंकि आपके लिपिक होंगे, आप जिला बंदोबस्त कार्यालय से कैडस्ट्रल मानचित्र लाएंगे, रिविजनल मानचित्र लाएंगे, विशेष सर्वेक्षण मानचित्र लाएंगे, उसकी भी पंजी संधारित करेंगे कि किस राजस्व ग्राम का उसमें क्रम संख्या होगा, राजस्व ग्राम का नाम होगा, थाना संख्या होगा, मानचित्र जो है कितने सीट में कैडस्ट्रल का है, रिविजनल का अगर है तो रिविजनल का कितने सीट में मानचित्र है और SS मानचित्र कितने सीट में बना है, इस तरह से इसकी भी पंजी संधारित करना आपको पड़ेगा। इस प्रकार जो है और ये किस लिपिक को दिया जाएगा ये करेंगे। फिर साथ ही खतियान है, सरकारी जमीन से संबंधित आप सूची अंचल कार्यालय से लाते हैं उसकी भी पंजियां संधारित करें। फिर जिला भोजन कार्यालय से आपको अगर मिलता है तो किस ग्राम की कौन सी डॉक्यूमेंट जिला भोजन कार्यालय से मिली है वो ग्राम बार आप बनाकर रखेंगे और किसे हस्तगत कराए ताकि आपको पता चले। फिर वक्ष से संबंधित अगर होगा कि किस ग्राम की वक्ष से संबंधित अगर जमीन की सूची मिली है, वक्फ मैंने औकीफ की सूची जो आपके जिला अल्पसंख्यक कार्यालय के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, इसे भी ग्राम बार आप पंजी संधारण कर लेंगे, उसके ऊपर में लिख देंगे कि वक्फ
संपत्ति से संबंधित सूची की पंजी, आप उसमें ग्राम किस इस ग्राम का ये सब सूची प्राप्त हुआ, ताकि ये पता चले कि इस ग्राम में ये सब है, और जिसको जिस जमीन को आप उपलब्ध कराते हैं उन्हें आप उनसे हस्ताक्षर भी कराएंगे, इसलिए इसकी भी पंजी संधारित करना आवश्यक है, क्योंकि सर्वेक्षण में जब आपका शिविर का संचालन करेंगे अगर इन पंजियों की संधारण नहीं किया जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा अभिलेख आप जिला बंदोबस्त कार्यालय से प्राप्त किए, कौन से आपका जिला अभिलेखागार से कितने गांव की खतियान मिला कि अब बना के लाए हैं आपके अमीन के द्वारा कॉपी है, फिर आपका जिला भोजन विभिन्न विभागों से सूची प्राप्त हुई है ग्राम बार, इसलिए इस तरह से पंजियों का भी संधारण करना आवश्यक है। फिर आप जान लें जब आपका शिविर चलेगी तो वहां वरीय पदाधिकारी आपके शिविर में निरीक्षण करेंगे, उन निरीक्षण करने के लिए भी एक निरीक्षण टिप्पणी बनाई जाती है और पंजी भी बनाई जाती है। ये बिहार बोर्ड मिसलेनियस जो बताए 1958 के नियम 59 के अनुसार निरीक्षण पंजी रखनी है शिविर में कि कौन सी पदाधिकारी आपके शिविर का निरीक्षण करने आया है और उनके लिए कौन सी टिप्पणी बनाए, तो आप टिप्पणी जब बनाएंगे निरीक्षण टिप्पणी उसमें अपने शिविर का नाम शुरू में लिखेंगे, कौन कौन उस शिविर के शिविर प्रभारी का नाम लिखेंगे, आप उस शिविर प्रभारी से पूर्व से कौन कौन शिविर प्रभारी उसमें पदस्थापित रहे हैं उस शिविर में उनका नाम होगा, उनकी अवधि भी लिखी जाएगी, फिर कानको कौन कौन पदस्थापित रहे हैं पूर्व में और वर्तमान में और कब से कब तक किस अवधि तक वहां उस शिविर में कार्य किए हैं वो उनकी भी नाम उसमें निरीक्षण टिप्पणी में रखी जाती है, फिर उसके बाद अमीन कौन कौन से हैं कब से किस ग्राम में पदस्थापित है वो डिटेल देनी होगी, फिर उस शिविर में कितने राजस्व ग्राम है, कितने राजस्व ग्राम का सीएस खतियान आरएस खतियान प्राप्त हुआ चकबंदी खतियान वो उसमें निरीक्षण टिप्पणी में लिखते हैं, फिर उसके बाद में कितने कैडस्ट्रल मानचित्र प्राप्त हुए, रिविजन मानचित्र प्राप्त हुए, एसएस मानचित्र वो भी लिखी जाएगी निरीक्षण टिप्पणी में, उस पूरे शिविर का ग्राम बार रकवा होना चाहिए, कुल रकवा जो है वो होगी, क्या उस वहां शिविर में कार्य किया जा रहा है कहां तक उसकी कार्य हुई है पूरी विस्तृत विवरणी निरीक्षण टिप्पणी में अंकित किया जाता है, ये आवश्यक है। तो निरीक्षण टिप्पणी बहुत बृहद बनती है, अतः उसी के आधार पर आपके जो होंगे आपके अगर जिला बंदोबस्त पदाधिकारी होंगे उनके द्वारा निरीक्षण किया जाएगा शिविर में, प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा, निदेशालय स्तर से भी पदाधिकारी जाते हैं उनके द्वारा भी निरीक्षण किया जाएगा, तो उसी स्थिति में निरीक्षण टिप्पणी एक विस्तृत बनाना होता है शिविर से संबंधित सारी चीजें जो है, वहां कब से शिविर प्रारंभ हुआ, वहां कितनी फर्नीचर है, सारी चीजें कौन कौन सी पंजियां हैं सब उसमें दर्ज करना होता है, साथ ही एक भंडार पंजी बनाना होगा, अपने लिपिक को कहेंगे एक भंडार पंजी बनाएंगे हैं। क्या भंडार पंजी दो तरह की बनती है, एक अस्थाई एक अस्थाई। अस्थाई जो भंडार पंजी बनेगी उसमें क्या है भाई, जिसे सादा कागज खरीद के आया पर पत्र आया वो क्या है अस्थाई हो गया, आप पेन खरीदा गया शिविर के लिए सभी को देने के लिए, इस तरह से अस्थाई भी एक भंडार पंजी का संधारण किया जाएगा, और एक अस्थाई होगा उस शिविर में जो उपस्कर होंगे फर्नीचर होंगे उसकी एंट्री होगी, अलमीरा होगी उसकी होगी, ईटीएस मशीन होंगे अगर शिविर को मिला है तो वो होंगी, फिर अमीन को जो मेजरमेंट टेप वगैरह या स्केल गुनिया दिया जाता है वो अस्थाई होगी, या अमीन को कार्य करने के लिए दिया जाता है पुनः फिर वो वापस ले दिया जाता है, इस तरह से अस्थाई और अस्थाई भंडार पंजी का संधारण किया जाएगा। फिर आप जो शिविर में एक कोई लिपिक जो बरिये होंगे उन्हें नजारत का भी काम दिया जाएगा, क्योंकि जो है या जिला बंदोबस्त कार्यालय में भी नजारत होता है, जहाँ कैश का काम होता है जो लिपिक होते हैं कैश से संबंधित रोकर से संबंधित वो पंजियों का संधारण भी परिपत्र में करते हैं, अब प्रत्येक शीर्ष के लिए अलग अलग रोकर पंजी का निर्धारण होती है, शिविर में भी अलग अलग राज्य सरकार क्या है अलग अलग राजस्व की खर्च करने के लिए हेड देता है, आप जान लीजिए कि वेतन की निकासी संविदा कर्मियों का व्यवसायिक से संबंधित वेतन वो अलग हेड से होगा, टीए अलग हेड होगा, फिर इस तरह से ट्रांसफर टीए हो गया, या सामग्रियों को खरीदने के लिए भी अलग हेड होता है, इसलिए जिला स्तर पर जो नजारत होती है वहां एक नजारत शाखा होता है और उसमें रोकर पंजियों का संधारण विहित प्रपत्र में होता है, प्रत्येक शीर्ष के लिए अलग अलग सहायक रोकर पंजी और समेकित रूप से समान रोकर पंजी का भी निर्धारण किया जाता है विभिन्न मदों के लिए, और इस उसकी जांच जो है जिला बंदोबस्त कार्यालय में प्रधान सहायक होते हैं, जो प्रधान सहायक होते हैं वो लेखा
पाल के भी प्रभार में होते हैं, अकाउंटेंट के प्रभार के होते हैं, उनके द्वारा वो अकाउंट्स का जांच करते हैं। जो लोग खर्च करते हैं वो नाजिर होते हैं, और वो जो संधारित करेंगे उसे प्रधान सहायक जो होते हैं रोकल पार के रूप में उसे निरीक्षण करते हैं। वो बिहार बोर्ड मिसलिनियस में है रूल के अंतर्गत, जो प्रधान सहायक होते हैं वही अकाउंटेंट भी होते हैं। इस प्रकार से वो नजारत शाखा में रोकर पंजी की संधारण की जाती है, और जो कार्यालय के DDO होते हैं निकासी और बैन पदाधिकारी, उनके द्वारा वो रोकर पंजी को संधारित हस्ताक्षर और अपना मोहर लगाते हैं। उस रोकर पंजी पर नाजिर का भी हस्ताक्षर होगा, प्रधान सहायक जो अकाउंटेंट के रूप में कार्य करते हैं उनके द्वारा उनकी हस्ताक्षर होती है, और जो प्रभारी पदाधिकारी होते हैं उनकी उनका भी हस्ताक्षर होता है। अब आइए फिर एक और पंजी जो बताया, अभिलेखों को अभिलेखागार में जमा करना। जब आप सर्वे आपके द्वारा किया जाएगा और उद्घोषणा से लेकर प्रपत्र एक से लेकर आप जब 22 तक पहुंचेंगे तो उसमें क्या है, घोषणा का प्रपत्र होगा, 3-1 वंशावली होगी, 3-2 यादाश पंजी होगी, प्रपत्र 5 होगा, 6 होगा, ग्राम बार होगा, फिर उसके बाद प्रपत्र 8 में जो आपत्तियां आती हैं उन आपत्तियों को भी को कनगो के द्वारा निपटारा किया जाता है, फिर पारू प्रकाशन 12 में होती है, और फिर आपत्ति ली जाती है 14 में आपके जो विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी होते हैं उनके द्वारा भी निपटारा किया जाता है। इस तरह से जितनी अभिलेख है वह अभी तो वर्तमान में हमारा भू अभिलेख परिमाप निदेशालय के द्वारा लैंड सर्वे मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एक डेवलप किया गया है, जिसमें आपकी जितनी प्रपत्र है जो भी काम किया जाएगा डाटा जो है स्कैन कर या डाटा को एंट्री कर मैंने कुछ स्कैन कर या एंट्री कर आपको लैंड सर्वे मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में रखा जाना है, और जो हार्ड कॉपी होगी वो जिले के अभिलेखागार में जमा कर दिया जाता है। तो ये बिहार हस्तक नियम 113 के अधीन सभी प्रकार के निष्पादित अभिलेखों और व्यवहित पंजियों को अभिलेखागार में जमा करने का प्रावधान है। ये कहाँ है भाई, बिहार हस्तक नियम 113 में, जो आपके आप ये जान लें, आप जब भी खतियान भी अगर आप लाते हैं उसी कार्यालय से आप लाते हैं, वो जिला अभिलेखागार आप देखे होंगे, जब आप जिस जिले में होंगे वहाँ समाहरणालय जो होती है समाहरणालय परिसर में ही जिला अभिलेखागार होते हैं, वो आपकी समाहर्ता के अधीन होता है, और उसके प्रभारी जो होते हैं एक उप समाहर्ता भूमि सुधार उप समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी होते हैं, डिप्टी कलेक्टर उसके प्रभारी होते हैं, वहाँ पूरा प्रधान सहायक होते हैं, सहायक होते हैं, सारी अभिलेख वहाँ सुरक्षित और संरक्षित तरीके से रखी जाती है। आप जान लें उसी कार्यालय में सर्वेक्षण कार्य आपके द्वारा किया जाएगा, तो सर्वेक्षण के सभी प्रक्रमों की अभिलेख आप इसी जिला अभिलेखागार में जमा किया जाएगा। निष्पादित अभिलेख मैंने जितनी आपत्तियां दावों की सुनवाई आपके द्वारा किया जाएगा या विशेष सर्वेक्षण या आपके उप समाहर्ता भूमि सुधार स्तर के पदाधिकारी के द्वारा, उन सभी निष्पादित अभिलेखों और व्यवहारित पंजी जितनी पंजी है उसे रखा जाएगा। आप ये जान लें आकस्मिक पंजी भी जो आकस्मिक अवकाश की भी पंजी होती है उन्हें भी सुरक्षित रखा जाता है। बिहार बोर्ड मिसलिनियस में स्पष्ट है, नहीं ये बिहार फाइनेंशियल रूम में है कि कौन सी पंजी कितने दिनों तक रखा जाता है। आकस्मिक अवकाश की अवधि सुरक्षित तरीके से 3 वर्षों तक रखना है, जो आप छुट्टी लेते हैं है, तो इस तरह से वो सभी वहीं रखा जाता है। फिर है आप अपने शिविर में भ्रमण करेंगे उसके लिए भी अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम के लिए भी एक पंजी वहां संधारित किया जाता है। सभी पर्यवेक्षीय पदाधिकारी अपना अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम प्रत्येक माह में 25वीं तारीख तक देते हैं, ये देने का प्रावधान है आप समझ लीजिए, और उसे भ्रमण दैनंदिनी अगले माह के 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से संबंधित पदाधिकारी को भेज दी जाती है। तो आपके द्वारा एक टूर प्रोग्राम भी बनाया जाएगा 25 तारीख तक, ऐसे आवश्यकता होगी तो बीच में भी आप जा सकते हैं, पर एक एडवांस टूर प्रोग्राम 25 तारीख तक आपको देना होगा, और 10 तारीख तक वो आपके शिविर प्रभारी जो जिला बंदोबस्त कार्यालय को भेज देंगे। आप जैसे प्रपत्र एक में बंदोबस्त पदाधिकारी को द्वारा उद्घोषणा किया जाएगा, तो उस उद्घोषणा जब उनके द्वारा की जाएगी तो उस उद्घोषणा के तामिल संबंधित राजस्व ग्राम में किया जाएगा। उस संबंधित राजस्व ग्राम में जिस दिन आप आम सभा कर आप बताएंगे लोगों को कि भाई ये सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ करने हेतु तो बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा उद्घोषणा कर दी गई है, और आप सभी लोग अपने अपने राजस्व अभिलेख
अगर यदि आप जमीन खरीदे हैं या आपसे बंटवारा करना है तो इस तरह से सभी लोग अपना अंचल कार्यालय जाकर अपनी राजस्व अभिलेखों को अद्यतन करा लें, ये करेंगे। फिर उसी सभी लोगों को बोलेंगे कि आप लोग सभी अपने खेतों की आर मेर ठीक ठाक कर लें। फिर आप क्या बताएंगे भाई कि आप सभी लोगों को स्वघोषणा प्रपत्र दो का वितरण रैयतों के बीच कर देंगे, प्रपत्र तीन एक वंशावली की प्रति वितरण कर देंगे। इस प्रकार आपके द्वारा आप कानगो हैं तो आपके अंतर्गत 10 ग्राम होगा, 10 गांव का जो है अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम में उस तिथि आप देकर आम सभा का आयोजन कराएंगे, आपके अमीन करेंगे, उसमें आपके द्वारा भाग लिया जाएगा। इस तरह से अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम का भी एक पाठ होगा। फिर उसके बाद वंशावली की अनुमोदन की भी आम सभा का आयोजन आपके द्वारा किया जाएगा, वो भी आप अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम एडवांस टूर प्रोग्राम में आपके द्वारा उसे शामिल किया जाएगा। तो इस तरह से इसे आपका पूरे मास का 25 तारीख तक आपका एक भ्रमण कार्यक्रम भी आपको देना होगा, ताकि अगर बंदोबस्त आपके सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को पता चले कि आपका आज का दिन किस राजस्व ग्राम में आपका भ्रमण किया जा रहा है, किस काम में। अगर बड़ी पदाधिकारी भी को भी मालूम होगी बंदोबस्त पदाधिकारी को हमारे कानगो ASO, यदि मान लीजिए कि कल 3 तारीख है तो 3 तारीख 3 अप्रैल को कहां, 3 मई को कहां उपलब्ध रहेंगे, इस तरह से वो आपके द्वारा दिया जाएगा। हाँ, ये भी आप जान लें, आपके ये लग रहा होगा कि सर हम तो भ्रमण कार्यक्रम अगर पूरे माह का दे दिए तो हम सुनवाई कब करेंगे। तो आप जिस दिन आपका शिविर दिवस होगा, शिविर में न्यायालय दिवस होगा, उस दिन आप अपने भ्रमण कार्यक्रम में देंगे, अमुक अमुक तिथि को हम अपने सर्वेक्षण शिविर में रखकर आपत्तियों का निष्पादन करेंगे, तो वो भी आप उसमें डाल सकते हैं। इस प्रकार से अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम तैयार किया जाएगा आपके द्वारा पूरे। अगर बीच में अगर लगता है मीटिंग है तो आप उसमें देंगे, अमुक तारीख को मीटिंग का आयोजन किया उसमें भाग लेना है, वो भी भ्रमण कार्यक्रम में रहेगा, क्योंकि मीटिंग का भी जो कार्यक्रम होती है जिला बंदोबस्त कार्यालय में वो भी अग्रिम पूर्व से ही निर्धारित रहता है, इसलिए उसे भी अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम में आपके द्वारा शामिल किया जाएगा। अब आइए शिविर में प्रतिलिपियों का देने का व्यवस्था है, तो प्रतिलिपियों के लिए आवेदनों की पंजी होती है 170 है, ये बिहार हस्तक के हस्तक 1961 के नियम 276 के तहत विहित प्रपत्र में संधारित किया जाता है, इसे सभी राजस्व कार्यालयों में रखा जाता है और 2 वर्षों तक इसे प्रतिरक्षित रखा जाता है, इसकी लाइफ 2 वर्षों तक है, अब रखा जाता है, जिसमें आपकी प्रतिलिपि निर्गत करते हैं सच्ची प्रतिलिपि है? देखिए ये सैंपल जो है ना आप रिकॉर्ड मैनुअल में उसकी दी हुई है, और ये सब पंजियां जो है मार्केट में प्रिंटेड मिलती है, आपके द्वारा जब भी चैटिंग में दिया गया इसकी प्रपत्र का, तो ये सारी पंजियां जो है ना मैं जिला स्तर पर जो है जहां सरकारी प्रपत्र और पंजी से संबंधित जो दुकान होती है वहां उपलब्ध होती है, क्योंकि आप अंचल कार्यालय में भी इन पंजियों की संधारण होती है, समाहरणालय में भी होती है, या सभी विभागों में आपके ब्लॉक के अंतर्गत जितनी विभागों की हेल्थ डिपार्टमेंट हो, PSD हो, इरीगेशन हो, सिंचाई हो, PWD हो, सभी विभागों में इन पंजियों की इस्तेमाल होती है, इसलिए मार्केट में उपलब्ध होती है, वो वहां प्रिंटेड होता है, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ये जान लें कि कौन कौन सी पंजी कहाँ कहाँ उपयोग होती है, कौन कौन सी पंजियां संधारित की जाती है, और ये जो अभी आपको हम जो बता रहे हैं ये आपका YouTube पर भी रहेगा, कभी भी सुनकर आप जानकारी लेंगे, और जब आपको जानकारी रहेगी जब योगदान करेंगे बंदोबस्त कार्यालय में जाएंगे वहां भी आपको पता चल जाएगा, जो लिपिक होंगे वो बता देंगे कि कौन कौन सी पंजियां संधारित होती है, इसकी आवश्यकता नहीं है कि आपको ये पूरी शेयर किया जाए, ये उपलब्ध होती है। प्रतिलिपियों के लिए जो आवेदनों की पंजी होती है, जो नकल दिया जाता है बजाबता नकल, उसकी एक पंजी होती है, वो बता रहा हूं मैं कि इसलिए जान लें कि ये पंजी जो है किसके, बिहार रिकॉर्ड मैनुअल, आप जाएंगे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के वेबसाइट पर चले जाइएगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के वेबसाइट पर जाइएगा, ऊपर में ही मिलेगा रिकॉर्ड मैनुअल 1961, आप ये अभी सर्च करके देखेंगे मिल जाएगी, वो 300-350 पेज की है, उसमें ये सारी दी हुई है कि कौन कौन सी पंजी किस प्रेस्क्राइब फॉर्म है उसका, उसी में संधारित होती है, मगर ये पंजी सारी मार्केट में उपलब्ध होती है, ये आप जान लें, ठीक है। तो जो भी राजस्व से संबंधित अभिलोक
आपत्ति की, जैसे आपके द्वारा सुनवाई निपटारा किया जाएगा, उन आपत्तियों को भी रैयतों के द्वारा प्रतिलिपि के रूप में मांगा जाएगा। तो उसके लिए ही ये आपका प्रतिलिपियों के लिए आवेदनों की पंजी 170 होती है और बिहार रिकॉर्ड मैनुअल 276 के तहत वो संधारित किया जाता है। अब पंजियों की पंजी होती है, आप ये जान लेंगे जितनी पंजियां बनेगी वो भी किसी पंजी में होगा कि कौन कौन से आपके शिविर में पंजी है, उन सभी पंजियों की प्रविष्टि इस पंजी में की जाएगी। जो पंजियों की पंजी होती है, एक रजिस्टर बना लेंगे तो आपके शिविर में कौन कौन सी पंजी है, माली की मानचित्र की पंजी है, खतियान की पंजी है, गर्मजरू आम माली के लिए पंजी जो बनाए हैं वो एंट्री करेंगे, भूदान से संबंधित जिला भोजन कार्यालय वक्फ औकिफ की सूची की पंजी, इस तरह से जितनी पंजी आप बनाएंगे उन्हें भी एक पंजी में आप एंट्री कर पंजियों की पंजी बना लेंगे, आप ये जान लें। फिर एक आपको शिविर के लिए वाहन भी उपलब्ध कराया जाएगा, तो जो वाहन अगर उपलब्ध कराया जाता है तो उसी स्थिति में ड्राइवर साहब जो आपके होंगे वो गाड़ी चलाएंगे, कितना फ्यूल लगा, उसमें खपत हुई, उसकी भी वो वाहन के लिए भी एक लॉग बुक बनाते हैं, वो आपके रहती है, वो भी प्रेस्क्राइब मिलता है जिला में, आप समझ लीजिए वो ड्राइवर साहब का काम है, उसमें दिया जाता है कि कौन से पदाधिकारी कहां से कहां यात्रा किए और वो लिखकर दस्तखत करते हैं कितना किलोमीटर गाड़ी चला उनके उनको लेकर गया, वो उस वाहन के लिए भी एक लॉग बुक का भी संधारण किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से उपस्थिति पंजी भी बनती है शिविर में, ये तो पहले ही बताना चाहिए था मुझे, उपस्थिति पर अटेंडेंस रजिस्टर हर कार्यालय में होगा, जहां आप या आप वर्तमान में अगर कुछ आप विशेष सर्वेक्षण कानून को अगर आप कहीं कार्यरत होंगे तो वहां भी बन रही है होगी पंजी, उपस्थिति पंजी, अब तो भाई आपका थंब इम्प्रेशन लगाकर भी उपस्थिति बनाई जाती है, तो वो तो आपको शिविर में रहेंगे तो वहां उपलब्ध नहीं होगी, तो वहां उपस्थिति पंजी आप बनेगी जिस पर अमीन भी हस्ताक्षर करेंगे, लिपिक भी करेंगे, आपके द्वारा भी किया जाएगा। और आकस्मिक अवकाश की पंजी का भी संधारण किया जाता है, जो पता है कि बिहार मुस्लिम सुरुज के नियम 105 के अंतर्गत उपस्थिति पंजी का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार भंडार पंजी, अगर कार्यालय में जितनी सामग्रियों का क्रय किया गया और पूर्व से जितनी भी सामग्री उपलब्ध कराया गया उन्हें भंडार पंजी का भी किया जाता है। इस भंडार पंजी में दो होगी, अस्थाई और अस्थाई, इस प्रकार से पंजियों की संधारण आपका वहां किया जाता है। साथ ही वो जितनी अंचल कार्यालय से आएगा ग्राम बार सरात की सूची, आप उसे भी ग्राम बार सरात पंजी संधारण कर लें कि किस राजस्व ग्राम में जलकर फलकर मेला बाजार हाट जिसमें लगाया जाता है वो अंचल कार्यालय में सरात की पंजी होती है, वहां आप सरात पंजी का भी संधारण कर लें ग्राम बार। उससे क्या होगा कि जब आप सर्वेक्षण करेंगे तो आप अमीन को उसे उपलब्ध कराएंगे तो उसे पता चल जाएगा किस खेसरा में सरकारी है, क्योंकि सरात होती है सरकारी जमीन होती है, किस खेसरा में जलकर है फलकर है, वो उससे क्या पता चलेगा, सरकारी जमीन पता चल जाएगा। तो जो मानचित्र अमीन आपके लेंगे विशेष सर्वेक्षण मानचित्र और कैडस्ट्रल मानचित्र रहेगी तो उसमें आसानी से आप चिन्हित कर देंगे ये सब प्लॉट जो है सरकारी है बाजार मेला का है, तो आपको ये गलती नहीं होगी आपके द्वारा किसी तरह का खाता का माने रैयती खाता आपके द्वारा खोला नहीं जा सकता है, ये पता चल जाएगा कि सरकारी भूमि है, इसलिए सरात पंजी भी और साथ ही गर्मजरू मालिक की भूमि की पंजी भी आप बना लें, एक ग्राम बार बना लें तो अमीन को देंगे, जिसे भी आप मानचित्र में शुरू में ही चिन्हित कर दें कैडस्ट्रल सर्वे मानचित्र में, उसी से एसएस मानचित्र बना है उसे पता चल जाएगा कि इस प्लॉट का ये एसएस मानचित्र में आप देखकर जो है रेफरेंस में अमीन आपके चिन्हित कर देंगे ये गर्मजरुआ मालिक भूमि है, ये आपका जो है गर्मजरू आम भूमि है, इस प्रकार से है। फिर बहुत सी मिलेगी आपकी सरकारी संपदा से संबंधित अंचल कार्यालय में एक होती है संधारण संधारित होती है कि भाई सरकार है किसी विभाग की जमीन है उसकी सूची मिल गई तो मानचित्र में कर दिए, इस तरह सभी विभागों की जो सूची प्राप्त होगी उसे ग्राम बार आप संधारित कर लें। अब आइए दूसरी है गवर्नमेंट कंडक्ट रूल, आप एक कार्य करते हैं तो वर्तमान में आप संविदा लिपिक रूप में संविदा कर्मी के रूप में आप आपकी बहाली नियुक्ति हो रही है नियोजन हो रही है, उसी स्थिति में सरकार के सरकारी संस्थान में आपको कार्य करेंगे तो आप पर भी सरकारी सेवक के जैसा
आपको आपकी एक कंडक्ट रूल है जिसकी पालन करना आवश्यक है। उसी स्थिति में आप जान लें कि जो आपका ड्रेस कोड एक अच्छा होना चाहिए, एक है, फिर आपके द्वारा ड्यूटी आवर में मद निषेध तो बिहार में रोक है, मगर पहले ये था कि नहीं है, जैसे गुटखा पान जर्दा भी नहीं खाना है ड्यूटी का में आवर में, ये आप जान लें। साथ ही आप जहां आप रहते हैं वहां किसी तरह का किसी व्यक्ति से कोई उपहार नहीं लेंगे, इस तरह का एक सरकारी सेवक पर ये भी एक लागू होती है, उसी तरह से आप पर भी लागू होगी। आप ये जान लें सरकारी सेवकों के लिए है बिहार गवर्नमेंट कंडक्ट रूल 1976, ये आप जान लें। उसी तरह से आप सरकारी संस्थान में काम करते हैं और नियोजित हैं तो आप पर भी उसी वो आप पर भी लागू होता है। तो उसी स्थिति में आप जब ड्यूटी आवर में हैं तो किसी तरह का नशीला पदार्थ आपके द्वारा नहीं लिया जाएगा या मद्यपान निषेध है, आप समझ लीजिए। तो अभी तो वर्तमान में पूरे बिहार में मद्यपान निषेध ही लागू है और आप वर्तमान कोरोना वायरस में आपका जर्दा गुटखा सिगरेट ये भी पर बैन हो गया है, तो कभी भी आप पान खाना भी जाए, अगर आप कार्यालय अवधि है उस समय आपके द्वारा पान भी खाना निषेध है और बड़ी पदाधिकारी के पास पान खाकर जाना भी निषेध है, ये आप जान ले अच्छी तरह से। साथ ही आप जहां काम कर रहे हैं तो जब आप काम कीजिएगा हमारे यहाँ तो किसी दूसरे संस्थान में आपको काम नहीं करना है, ये आप जान लें। हाँ, जब मेरे यहाँ आप जिस दिन योगदान किए तो जहां पूर्व की किसी संस्थान में है तो ये आपका काम करना निषेध है, दूसरे संस्थान में आप नहीं काम करेंगे। और हम लोग सरकारी सेवक हैं, हम पर तो पूरी लागू है बिहार गवर्नमेंट कंडक्ट रूल 1976, हम पर पूरी लागू है कि जब अगर हम भू अभिलेख परिमाप निदेशालय में हम सरकारी सेवक के रूप में कार्य करते हैं तो किसी अन्यत्र भी किसी भी संस्थान में हम जुड़कर किसी भी कार्य नहीं हम करेंगे। फिर साथी आप किसी भी राजनीति में भाग नहीं लेंगे, इलेक्शन में भाग नहीं लेंगे, जहां आप शिविर में हैं सिर्फ इलेक्शन के समय आपको अपने गांव में जाकर वोट का मतदाता के रूप में वोट कास्ट करना है, मतदान करना है, न कि जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं वहां के लोकल स्थानीय पॉलिटिक्स में आपको भाग नहीं लेना है, ये आप जान लें। वहां किसी भी जनप्रतिनिधि के पक्ष में प्रचार नहीं करना है, यदि आप पाए गए तो आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई हो जाएगी, आप जहां सेवा कर रहे हैं वहां से हटा दिए जाएंगे, ये आप जान लें, ये आपका रोक है। साथ ही जब आप हमारे यहाँ सेवा कर रहे हैं तो किसी भी स्थिति में आप गवर्नमेंट एज ए सरकारी सेवक के जैसे हैं हमारे सरकारी संस्थान में, तो आप किसी भी संघ नहीं बनाना है, यूनियन एसोसिएशन नहीं बनाना है आपको, और एसोसिएशन बनाकर ऐसा नहीं करना है जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये इस पर भी रोक है आपको, ये आप समझ लीजिए। फिर डेमोन्स्ट्रेशन और स्ट्राइक, किसी तरह का धरना प्रदर्शन पर भी रोक है आपको, ये आप जान लें आप जो है। फिर साथ ही सरकार के विरुद्ध क्रिटिसाइज नहीं करना है कि सरकार अच्छा नहीं है, अच्छा काम नहीं करती है, ये कहीं भी खुले मंच पर नहीं बोलना है, ये आपकी व्यक्तिगत विचारधारा होगी, उसे अंतर्मुखी बनकर अपने पास रखें, कहीं प्लेटफॉर्म पर आप नहीं बोलेंगे, ये मुझ पर भी लागू होती है, कभी भी हम सरकार के खिलाफ हम अपना स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप सर्वेक्षण में काम कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया वाला पहुंच गया, वहां आपसे पूछने लगा कि सर्वे का काम कैसा चल रहा है, क्या व्यवस्था है सरकार की, तो ऐसा नहीं कि वहां खड़े हुए और सरकार का क्रिटिसाइज करने लगे कि सर्वे में कोई व्यवस्था नहीं है सर, कुछ काम नहीं हो रहा, तब आपकी नौकरी गई, ये अगर आया तो अगले दिन ही मालूम होगा कि आपको एकुटल हो गए, विमुक्त हो गए हमारी सरकारी सेवा से, हम भी नहीं करते हैं, आप भी नहीं करते हैं, आप सब जानते हैं सरकारी सेवा में रहते हुए कोई भी आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता है, ये पूरी आप लोग जान रहे हैं, सिर्फ एक ऐसा ही प्रोफेशन है, प्रोफेसर लोग टीचर लोग वो लड़ते हैं चुनाव, ये आप जान लीजिए, संवैधानिक उसकी अधिकार दी गई है। और हम सरकारी सेवकों को कहीं भी सरकार के खिलाफ क्रिटिसाइज नहीं करना है, क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट कभी भी नहीं करना है, ये आप समझ लीजिए, भूल कर भी नहीं। आप अगर जब आप सर्वेक्षण शिविर चलेगी वहां पर जनप्रतिनिधि भी आएंगे प्लस मीडिया के लोग भी आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो प्रिंट मीडिया हो, तभी वहां पर क्रिटिसाइज गवर्नमेंट का नहीं करना है, भूल कर भी नहीं करना है।
फिर अनऑथराइज तरीके से कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कहीं भी रेडियो दूरदर्शन पर भाग नहीं लेना है, समझ लीजिए, आपको वहां भी रेडियो पर वगैरह में भी भाग लेकर किसी कार्यक्रम में भाग नहीं लेना है, ये रोक है। फिर शादी, जहां आप कार्यरत हैं जिस शिविर में, वहां वहां का स्थानीय लोगों से जमीन भी नहीं खरीदना है, ना आपको खरीदना है, ना आप अपने माता पिता के नाम पर खरीदे, ना अपने पत्नी के नाम पर खरीदे, ना अपने बच्चों के नाम पर खरीदे, वहां उस जो आपका कार्य क्षेत्र होगा वहां किसी प्रकार की संपत्ति आपके द्वारा क्रय नहीं किया जाएगा। और साथ ही ये आप जान लें कि गिफ्ट भी नहीं लेंगे, इसी भी कोई भी रैयत आएगा तो आप उससे किसी प्रकार का गिफ्ट नहीं लेंगे, इस पर रोक है। नगद भी हो या यहां तक आप जान लीजिए, गवर्नमेंट कंडक्ट रूल में एक परिवार से भी मैंने मित्रों से भी गिफ्ट लेने का, जैसे कि बच्चे का बर्थडे कर रहे हैं आप सभी मित्र को बुला लिए और गिफ्ट ले लिए, तो अनैतिक हो गया, आप समझ लीजिए आपको गिफ्ट नहीं लेना है। यानी कि शिविर में बैठे जितने गृहस्थ हैं रैयत हैं उनको बुला लिए, मित्र बुला लिए और गिफ्ट आप ले रहे हैं, तो आप कार्रवाई हो जाएगी, उसके लिए भी है फिक्स की हुई है, समझ लीजिए उससे नीचे। आप देखे होंगे कि जब कोई सरकारी सेवक का ट्रांसफर होता है तो फेयरवेल की आयोजन होती है, उस फेयरवेल में वहां के लोकल अगर गिफ्ट देते हैं तो उसे गिफ्ट नहीं लेना है, ये उस पर भी रिस्ट्रिक्शन है, समझ लीजिए। फिर पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन इन ऑनर ऑफ गवर्नमेंट, आप विदाई होता है जो बताया फेयरवेल हो रही है उसमें भाग नहीं लेना है, ओपन अपने स्टाफ के बीच है ठीक है, मगर वहां के रैयतों में शिविर में है वहां से आप अच्छा काम किया, आप वहां का रैयत चाह रहे हैं कि आपको इस कुछ पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन में एक सम्मान के रूप में आपको विदाई दे, तो आप उसे नहीं भी भाग लेंगे और नहीं जाएंगे, आप ये जान लीजिए। फिर प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट, किसी भी निजी व्यापार नहीं करना है वहां रहते हुए, उस क्षेत्र में कार्य करते हुए। फिर कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, लेंडिंग और बोरोइंग, वहां रहकर जो है किसी व्यक्ति को आप कर्ज नहीं दे सकते हैं ना कर्ज ले सकते हैं, ये सब पर भी रोक है। साथ ही आपको मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी से ना नगद लेना है ना नगद देना है, न संपत्ति उस क्षेत्र के लोगों से लेना है खरीदना है, ये आप ये जान लें, ये हो गया। फिर आप अच्छा, फिर आप ये जान लेंगे जहां है वहां कन्वा है? हाँ बिल्कुल, आप कॉन्ट्रैक्ट मेरे यहाँ खत्म हो गया शिवम कुमार सिंह जी, तो आप आराम से कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं, अभी आप कीजिए। आपके द्वारा प्रश्न आ रहा है कि चुनाव लड़ना, चुनाव भी लड़ सकते हैं, रिजाइन कर दीजिए, चुनाव लड़िए, हम सरकारी सेवक हैं, हम रिजाइन कर देंगे तब चुनाव लड़ेंगे। हाँ गिफ्ट लेते हैं, गिफ्ट नहीं लेना है भैया, चुपके से भी नहीं लेना है, आप बता रहे हैं उसके पर भी बता रहा हूँ मैं, चुपके से लेने में क्या होती है आप उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ, इसे खत्म कर देता हूँ तब बताता हूँ विशेष, अभी अभी है आपके साथ बात करने का समय। फिर नॉन ऑफिशियल या आउटसाइडर के साथ कन्वर्सिंग नहीं करनी है, किसी भी ये रैयत, दो पक्ष रैयत है एक तरफ से मिलकर उसके विरुद्ध आप भड़का रहे हैं, इसमें भी जुर्म है आपके लिए सब, आप तटस्थ रहना है, तटस्थ रूप से काम करना है, इंक्वायरी भी है तटस्थ रूप से करना है, जिसकी कागज सही है उसका खाता खोलेंगे, जिसका नहीं है नहीं, किसी का पक्षपात नहीं करना है। आप एक्ट, सर्वे एक्ट में भी प्रावधान है कि आप बिल्कुल सद्भाव पूर्वक कार्य करेंगे तो कॉन्विजेंस नहीं होगा, नहीं तो कंप्लेन केस हो जाएगी, जेल हवालत में चले जाएंगे, आप जान लीजिए। सर्वे एक्ट में भी आपको बताया गया है कि जो भी कार्य करेंगे सद्भावना पूर्ण करना है, अगर पक्षपात करेंगे गलत इरादे से किसी को मदद करते हैं तो आप ये जान लें सभी अच्छी तरह से कि सिविल कोर्ट में कंप्लेन केस होती है, एक गवाह खड़ा कर देगा रैयत और आपके खिलाफ कंप्लेन केस कर देगा, तो इसलिए आप न्यूट्रल तटस्थ ईमानदारी के साथ काम करेंगे, आप पर कोई आरोप नहीं लगेगा, कोई भी आपको कुछ नहीं बोलेगा किसी न्यायालय में नहीं, जहां पक्षपात वहां लोकल पॉलिटिक्स में आप पड़ गए कन्वर्सिंग करने लगे तो आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी, आप समझ लीजिए, फिर वहां टिक नहीं पाइएगा, जो आप लोग कह रहे हैं कि रिजाइन कर देंगे तो रिजाइन करना पड़ेगा और भागना पड़ेगा, और जो केस करेगा तो जान लीजिए क्रिमिनल केस पर्सनल होता है, आप रिजाइन भी कर देंगे तो आप फ्री नहीं होइएगा, आपको वो ढूंढते रहेगा, मेरे यहाँ नौकरी चली गई मगर वो पर्सनल केस सिविल कोर्ट में, क्रिमिनल केस पर्सनल लाइबिलिटीज होती है ये आप जान लीजिए, वो कई प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलेगी विभाग के द्वारा, ये आप जान लें बुरी तरह से। फिर मैरिज करेंगे दहेज नहीं लेना है,
अगर शादीशुदा है तो कोई बात नहीं है, नहीं तो जल्दी जल्दी शादी कर लीजिए ज्वाइनिंग से पहले, ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो अगर हाँ मैरिज में दहेज नहीं लेना है ये आप जान लीजिए। फिर उसके बाद में जो भी मेरे यहाँ काम करें पूरी डेलीगेशन के साथ पूरी निष्ठा के साथ सर्वेक्षण का कार्य करना है, जो तय समय सीमा के अंतर्गत एक राजस्व ग्राम को 30 दिनों के अंदर में अंतिम प्रकाशन तक पहुंचा देना है, समझे शीतल कुमारी जी। हाँ पूरी निष्ठा के साथ ये काम करना है, ये आपका सरकारी सेवक का जो आचार नियमावली है वो आप पर भी लागू होती है, क्योंकि आप सरकारी संस्थान में से जुड़े हुए हैं, यहाँ नियोजित होती हैं तो आप पर भी लागू होगा। साथ ही आपको बता दिए आपको आकस्मिक अवकाश भी मिलेगी, जो जहाँ 6 डे इन वीक है वो 16 दिन मिलेगी पूरी वर्ष में, और 5 डे वीक रहती है जैसा सचिवालय में हम लोग अभी हैं कार्यरत, तो हमें 12 दिन CL मिलेगा। फिर और एक महत्वपूर्ण चीजें हैं ये जान ले, महिला हमारे पदाधिकारी भी हैं तो उन्हें 2 माह का मातृत्व अवकाश पूर्ण वेतन सहित, हाँ 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 सॉरी नहीं नहीं वो दूसरी चीज, यहाँ आकस्मिक अवकाश 6 दिनों का है। अच्छा संविदा कर्मियों के लिए 2 माह का मातृत्व अवकाश पूर्ण वेतन के साथ महिला जो पदाधिकारी हैं उन्हें मिलेगा, और है सब ये है ये आपका इस प्रकार है, आपकी जो 1 वर्ष का जो आप नियोजन में आएंगे तो 1 वर्ष का पहले आपसे साथ एग्रीमेंट होगा, आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा तो स्वतः फिर वो नवीकरण हो जाएगा और 60 वर्षों तक आप यहाँ आप कार्य करेंगे, आप ये भी जान लीजिए। तो ये आप जान लें, ये आपके द्वारा भी बार बार प्रश्न किया गया है कि सर हम लोग की नौकरी कितने दिनों तक रहेगी, जब हमारे यहाँ सर्वेक्षण चलेगा, सर्वेक्षण भी होगा उसके बाद में चकबंदी का कार्य होगा, इसलिए स्वतः 1 वर्षों के बाद रिन्यूअल होगा और स्वतः रिन्यूअल होते हुए आप आगे एक्सटेंशन होगा, फिर कराने की जरूरत नहीं है, एक बार एक्सटेंशन होगा और स्वतः ये लागू होगा, ये आप जान लें। साथ ही आप लोगों ने बोले जैसा अभी चैटिंग में आया कि चुपके से, तो आप जानते हैं कि बिहार में निगरानी एक विभाग है स्वतंत्र रूप से, आप ये जान लें, वो सरकारी सेवक पर भी संविदा कर्मी पर भी जो लोग भी यहाँ तक आपको पता होगा जनप्रतिनिधि उन्हें भी मानदेय मिलती है मासिक रूप से, माननीय मुखिया हैं, वार्ड मेंबर हैं, सरपंच हैं, प्रमुख जी हैं, जिला प्रमुख हैं, सब लोग सरकारी सेवक हैं, आप समझ लीजिए सारे जनप्रतिनिधि सरकारी सेवक हैं, उन पर भी वही आचार संहिता लागू होती है जो मुझ पर होती है। अगर वो भी कदाचार करते हैं, कदाचार में कोई भी व्यक्ति उस निगरानी है में कंप्लेन होती है तो आप भी जानते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से कि ट्रैप होते हैं, जेल चले जाते हैं, नौकरी चली जाती है, उसके बाद उसके लिए अलग न्यायालय है राज्य सरकार के द्वारा जिसे बिजनेस न्यायालय बोलते हैं, और मुजफ्फरपुर में है, पटना में है, भागलपुर है, निगरानी की थाना बिहार में 3 ही है 3 और 1 4 है समझ लीजिए, और काफी अब सजग हो गया, ये सब आज से 15 साल पूर्व वो बिल्कुल डिपार्टमेंट मृत प्राय था, मगर आज इतनी सजगता है कि आप सभी समाचार पत्रों से जुड़े हुए होंगे, आपको जानकारी मिलती होगी, सरकारी सेवक और आम जनता काफी जागरूक है, वो कंप्लेन करेगा, काफी गोपनीय होगी और पैसा विजिलेंस डिपार्टमेंट देती है उस व्यक्ति को आपको पकड़वाने के लिए, तो आप समझ लीजिए यहाँ कदाचार से अगर लिप्त होंगे किसी से भी चुपके से, आप समझ रहे हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है, देख रहा है कोई ना कोई कंप्लेंट हो जाएगा और जीवन बर्बाद हो जाएगी, सलाखों के पीछे चले जाएंगे, ये आप जान लें। इसलिए मुजफ्फरपुर में भी निगरानी न्यायालय है, भागलपुर में भी है, और पटना सिविल कोर्ट में भी है, और इसे है ये आप जान लें। इसलिए निगरानी फिर इसी में से जुड़ी हुई है, यदि अभी आप हमारे यहाँ सेवा में आएंगे तो आप भी आपको भी एक डिक्लेरेशन देनी होगी कि संपत्ति कितनी है, और आपको एनुअल भी देना पड़ेगा, तो उसी स्थिति में आप धनोपार्जन से अगर आप संपत्ति को बढ़ाते हैं
तो फिर यहाँ देखा जाएगा कि आपकी मासिक आय क्या है, वो उसको पूरे कैलकुलेट किया जाएगा वार्षिक रूप से, और आपका पैटर्नल आय क्या है, इस प्रकार से आप पर आय से अधिक की भी मुकदमा दर्ज होगी, और इस प्रकार से आप परेशानी में पड़ेंगे। इसलिए पूरी संयम के साथ, जो आपको बताने का उद्देश्य यही मेरा था, गवर्नमेंट कंडक्ट्स रूल, कि बहुत आप जब सरकारी संस्थान से जुड़ते हैं, सरकारी संस्था से अगर 2 रुपया भी लेते हैं, 1 पैसा भी लेते हैं, तो वही जुर्म के लिए दोष आप पर लगेगा, दंड होगा जो मुझ पर होगा। हम अगर सरकारी सेवक हैं तो आप भी हमारे ही जैसे इस संस्थान से जुड़ रहे हैं, सरकारी आप जो यहाँ परिश्रम करेंगे, मासिक रूप से जो मानदेय मिलेगी, तो आपको माना जाएगा कि आप सरकारी सेवक ही जैसे हैं, और वो निगरानी विभाग जो विजिलेंस विभाग है वो आपको उसी तरह से ट्रैप करेगा, पता भी नहीं चलेगा। एकदम सिविल ड्रेस में आते हैं लोग, उसे कोई पहचान नहीं सकता है। वो आएगा और रैयत जो आया आपके पास आपत्ति लेकर के, हुजूर मेरा ये काम कर दीजिए, तो आपके द्वारा अगर कहा गया कि नहीं इसमें ये लगेगा वो लगेगा, तो फिर दूसरे दिन उसका वेरिफिकेशन में दूसरा आदमी भी आ जाएगा, वो कहेगा कि हमारे भैया हैं, चाचा हैं, दादा हैं, नाना हैं, रिश्तेदार करके, और मालूम होगा कि वो बिजली डिपार्टमेंट का वो पुलिस है, मगर वो सिविलियन जैसा रहता है, वो कुछ सिविल वो पुलिस की जो मैनुअल में जो ड्रेस कोड है वो लोग नहीं पहनते हैं, बिल्कुल आम और बिल्कुल साधारण रूप में आएगा, हवाई चप्पल पहन के चला आएगा, एकदम गांव के प्रवेश के जैसा आएगा, सारी वेरिफिकेशन करेगा, आपका सारा ऑडियो टेप हो जाएगा, अपने बड़ियों पदाधिकारी को ले जाकर सुनाएगा, और उसके बाद धावा दल गठन होगा, और आपको पैसा देगा और आपको उठा के लेके चला जाएगा, ये आप समझ लीजिए। इसलिए तो वो गवर्नमेंट कंडक्ट से लिए ये पार्ट अलग हो गया। साथ ही जो आप काम करते हैं वहां लोकल, अगर निष्ठावान और कन्वासिंग या लोकल गांव में आपको काम करना है, कई गुट होगा ये आप जान लें, उन गुट में भी आप शामिल हो गए, इनका पक्ष कर रहे हैं, उनका पक्ष ले रहे हैं, आप तटस्थ रहे, आप सीधे कहें कि हम सरकारी सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, हमारा काम करना है, और काम हम जो सही कागज होगा करेंगे, किसी को भी किसी भी मोबाइल पर भी आप किसी से संपर्क नहीं करें, मोबाइल इतनी खतरनाक चीज है कि आप कुछ भी बात करेंगे उसे टेप कर लेगा। यदि आपको कहा कि सर मेरा काम नहीं होगा, आपको हम सेवा कर देंगे, ठीक है आइएगा देख लेंगे, आइएगा देख लेंगे, मैंने आपकी स्वीकृति हो गई, ये पदाधिकारी को सुना देगा, आप इसका मतलब हो गया कि आपने अप्रूवल दे दिया कि आप आइएगा, पैसा दीजिएगा, हम काम कर देंगे, आपको ट्रैप करके लेके चला जाएगा, और जब ट्रैप हुईगा तो आप समझ लीजिए क्या स्थिति में होगी, वो 90 दिनों तक तो बेले नहीं होती है, पहले बेल होने के बाद भी न्यायालय का चक्कर और नौकरी भी गई, और उसके बाद फिर भी किसी भी संस्थान में, बिहार सरकार के किसी भी सरकारी संस्थान में या प्राइवेट कंपनियों में भी नौकरी नहीं लगेगी, आप समझ लीजिए, फिर ट्यूशन पढ़ाइए या कहीं मजदूरी कीजिए, वही आप कर सकते हैं। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर बता रहा हूं मैं, गवर्नमेंट कंडक्ट रूल, आप लोकल पॉलिटिक्स में नहीं, क्योंकि आपकी नौकरी, आप जो सेवा में आ रहेंगे वो बिल्कुल स्थानीय स्तर के गांव में होगी, दो पक्ष में विवाद होगा, डिस्प्यूट होगा, आप न्यूट्रल रहे, हम लोग भी काम करते हैं गांव में, वहां से जुड़े हुए रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, कोई भी कहा कि नहीं चलिए चाय पीने के लिए हम नहीं जाना है, अपने पैसे से चाय पियेंगे, कम पियेंगे चाय, यदि पैसा नहीं है तो कम पियेंगे, बना के पियेंगे, ये नहीं कि चाय दुकान पर चले गए, आप कानून हैं, पदाधिकारी हैं, आपके जिस तरह से एसओ हैं, आपके नियंत्रण में 20 10 10 20 अमीन होंगे, तो आपका एक आचार होना चाहिए, एक शिष्टाचार तरीके से आप रहें, अपने कार्यालय में रहें, जिस दिन अगर टूर प्रोग्राम बनाए आप दिए उस दिन आप अपने क्षेत्र में जाएं, भ्रमण करें, किसी रैयत से कोई संपर्क नहीं, किसी से कोई बात नहीं, अगर वहां आया उसकी जो सही काम है कर देंगे, सहयोग करें, और अपने अमीन को भी इस पर नियंत्रण रखें कि किसी तरह से कदाचार से लिप्त नहीं हो, क्योंकि अभी तक सर्वे डिपार्टमेंट बदनाम हो चुकी है, इसलिए काफी निगाह है सरकार की, आप समझ लीजिए, इसकी असफलता का एक कारण ये भी रहा है, इसलिए काफी निगाह है, आप जहां आ रहे हैं अच्छे से काम किए बहुत नाम कमा के जाएंगे, गांव का अधिकार अभिलेख आप बनाएंगे, आपका हस्ताक्षर होगा, वो हस्ताक्षर अमर हो जाएगा, आप ये समझ लें, तो इस प्रकार से आप उसको मेंटेन करें। क्या संजीत कुमार जी कोई प्रश्न कर रहे हैं, थोड़ा सा संजीत कुमार जी से, हाँ संजीत जी बोलिए क्या प्रश्न कर रहे हैं।
संजीत जी, संजीत हाँ बोलिए, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं क्या संजीत जी, बोलिए। हाँ बात कर, हम गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून बोलिए सर, मेरा 4-5 कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ बोलिए। आपने जो बोला सर ये मातृत्व अवकाश, तो जेंट्स को भी मिलता है सर कुछ मंथ का? नहीं, उसकी पेटर्निटी अवकाश है, वो आपको भी मिलेगा। हाँ कितना दिन का? वो 15 दिनों के लिए है। ओके, एक चीज और सर, आपके नॉलेज के हिसाब से हमको जानना है कि जो साइट पे बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट आता है ड्यूरिंग जो भी मेजरमेंट होता है लैंड का, जो भी रहती रहता है, उसको कैसे हैंडल करते हैं? क्योंकि लैंड का मैटर है, 1 mm के लिए भी बहुत रिस्की हो जाता है, कोई छोड़ता नहीं है। आप देखिए, जो दो पक्ष है, जो उनकी साक्ष्य है, आपको क्या बताया अभी जो हम चर्चा कर रहे थे, किसी भी पक्ष से अलग हटकर नहीं बात करना है। बात करेंगे हम अपने ऑफिस में, ओपन बात करेंगे, उससे क्या होगा, अगर जहां किसी भी के नजदीक किसी व्यक्ति से पर्सनल बात करते हैं, दूसरे पक्ष को ये लगेगा कि उससे जुड़े हुए हैं। ये पहला टिप्स है, किसी से भी बात कीजिए, ओपन बात कीजिए, उसे किसी भी व्यक्ति को अपने आवास पर नहीं बुलाए। अगर आया बात करने के लिए, सीधा कहीं ऑफिस में आइए, हम वहां बात करेंगे, टेबल पर बात करेंगे, जो कष्ट है हम वहां बैठेंगे, हम इनको बुलाएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। आप अपने डेरा पर आवास पर बुलाकर अगर बात करते हैं, दूसरा पक्ष देख लेगा तो समझेगा कि सर उससे मिल गए, उसकी पक्ष कर रहे हैं, क्योंकि आरोप बहुत जल्दी लगती है वहां। आप समझ लीजिए, अगर कोई भी पक्षकार आ रहा है और आपसे कह रहा है कि सर चाय पीने चलिए, चाय दुकान पर चलिए, तो क्या आपकी शिविर होगी, बाहर में चाय दुकान होगी, आप कभी नहीं जाएंगे, टेबल पर रहेंगे, चाय वहीं मंगाएंगे। ठीक है, आप बैठिए, मैं चाय मंगाता हूँ, आपको पिलाऊंगा। आप जैसे ही रखेंगे, ये बहुत कारगर होगा। मेंटेन करें पहले आप, हाँ, स्थानीय किसी भी व्यक्ति से मोबाइल पर, डेरे पर, आवास पर बुलाकर बात करना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक चीज और है कि ये जो हम लोग का सिलेबस आप लोग जो पढ़ा रहे हैं कि मतलब ये 45 डेज का, इसमें बहुत सारा सर एक्ट और रूल है, और 45 डेज के अंदर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग का जो मेन कोर इंजीनियरिंग है, हम लोग टोटली डिफरेंट लाइन में आया है थोड़ा, और हर एक दिन कम से कम 2 सिलेबस तो रहता ही रहता है, और हर एक सिलेबस कम से कम 20-30 पेज रहता है, जो नया हम लोग के लिए लैंग्वेज भी नया है, उर्दू अरबी फारसी सब है उसमें। तो ये 45 डेज का हम लोग कैसे इतना जल्दी सर समझ जाएगा, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है? आप नहीं समझेंगे, ये अभी जो ट्रेनिंग चल रही है, इतनी आपको जानकारी हो जाएगी कि अमुक चीज किस सेल्फ में रखा हुआ है, ये आपको इतना आप सुन लेंगे तो आपको इतनी जरूर जानकारी हो जाएगी कि कौन सा विषय की कौन सी बुक में मिलेगी। आपको सभी बुक्स खरीदना होगा, लॉकडाउन खरीदे हो गया, आप रेवेन्यू कंपेटियम खरीद लें, बिहार कास्तकारी अधिनियम खरीद लें, लैंड रिफॉर्म्स खरीद लें, आप देखेंगे कि एक संग्रह आती है जिसमें मोटेशन एक्ट भी है, भूदान भी है, पीपीएसडी भी है, आपका क्रय नीति का भी सारा है, वो आप रखेंगे और देखेंगे, और जब आपके प्रैक्टिकल जब आप काम शुरू करेंगे, आपको ये आज की जो ट्रेनिंग है हम जो बोल रहे हैं वो मिलेगी। जैसे अभी हम बताए आपको कि निगरानी डिपार्टमेंट है, तो आपके दिमाग में आ गया होगा, समाचार पत्र में देखे होंगे ट्रैप होते हुए, तो आपको लग जाएगा, सारी प्रक्रिया बता दिए कैसे वो ट्रैप करता है। तो आप एकदम दूरी बनाकर रखें किसी भी आदमी से, मोबाइल पर कोई भी, अगर आपका आप हम आपको मोबाइल पर फोन किए कि भाई मेरा काम परसों जी कर दीजिएगा ना, हम आपसे कम मिले और आपको सेवा कर देंगे, तो आप बोल जहां बोल दिए कि ठीक है मिलिएगा, हम आइएगा, हम आपका कर देंगे, आपकी अप्रूवल हो गई, ये टेप ले जाकर सुनाएगा, और जिस दिन पैसा दिया आपको ट्रैप करके लेके चला जाएगा। तो आप समझ लीजिए इस पूरी सावधानी रखने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट लोगों को आने दीजिए। सर एक क्वेश्चन और है मेन, सर एक क्वेश्चन बस, एक क्वेश्चन बोलिए 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 सर, ये स्पेशल सर्वे में जो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है सर, उसके बारे में मोटा मोटी थोड़ा सा शॉर्ट में बता दे। देखिए पहला किस्तवार टू अधिकार अभिलेख, पहला किस्तवार है, किस्तवार में आप पहले जान लीजिए कि मानचित्र मिला, एसएस मानचित्र, उसकी रकबा की तुलना गत मानचित्र से आप उसके कंपेरिजन कर लीजिए, ये गत कैडस्ट्रल सर्वे का मानचित्र, उसका कुल टोटल एरिया क्या है, इसका टोटल एरिया क्या है, फिर एसएस मानचित्र का जांच करना है, उसमें प्रत्येक दिशाओं में 2 फिक्स पॉइंट आप लेंगे और उसकी मेजरमेंट कर लें उस मानचित्र पर, टेबल पर या सिस्टम में, जो एटीएस जो एजेंसी होगी उसकी सिस्टम में, और धरातल से उसे मिलान कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि मानचित्र मेरा सही है कि नहीं। जब मानचित्र सही हो गया तो अमीन को आप वो ट्रांजेक्शन फिक्स करेगा, जब एक ट्रांजेक्शन फिक्स करने में 3 गांव या 4 गांव जुड़े होते हैं, तो चारों अमीन, तीनों अमीन एक साथ काम करेंगे, ट्रांजेक्शन फिक्स करेंगे। उसी स्थिति में मान लीजिए कि किसी गांव से एक ट्रांजेक्शन और एक इस तरह से भिन्नता आ रही है, 15 फीट का गैप आ गया, 17 फीट का गैप आ गया, तो मालूम होगा कि उस मानचित्र का जो बाउंड्री है वो ट्रांजेक्शन लगाने के लिए नई नक्शा बनेगी,
वो फिर चेंज होगा उसकी बाउंड्री में, तो उसी स्थिति में आप जान लें कि उसकी प्रपोजल बनाकर नक्शा पर आपकी अमीन का साइन होगा और एजेंसी का प्रतिनिधि का साइन होगा जो नई नक्शा बनेगी और आपके अनुशंसा के साथ सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के माध्यम से बंदोबस्त पदाधिकारी को जाएगा, क्योंकि सरहद बदल रहा है। तो उसी स्थिति में सरहद बदलने में बिहार काश्तकारी अधिनियम में प्रावधान है कि ये कहता है कि सर्वे एक्ट हमारा बना स्पेशल 2011, परंतु जहां जहां बिहार काश्तकारी अधिनियम इसमें नहीं प्रावधान है वो लागू रहेगा जो इसमें नहीं है। तो इसी उसी स्थिति में सरहद का जो ग्रंथर आएगी तो बिहार काश्तकारी अधिनियम में दी गई है कि सरहद के लिए बंदोबस्त पदाधिकारी के माध्यम से अनुमति लिया जाता है। यदि काफी चेंज होगा, अगर नई गांव अगर हुई है, बहुत सी ऐसा मिलेगा कि आप बाउंड्री है, रेवेन्यू सर्वे की बाउंड्री डिसाइड है मगर उसकी इंटरनल सर्वेक्षण नहीं है, अब गांव के रूप में नोटिफाइड है तो उसी स्थिति में अंदर भी करेंगे आप सर्वे, तो वो भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जाता है, उसी हिसाब से वो प्रक्रिया दी हुई है। और बंगाल सर्वे एक्ट भी गूगल पर आप देखेंगे उसमें बाउंड्री, क्योंकि बंगाल सर्वे एक्ट हमारा कैडस्ट्रल सर्वे से पहले आया था 1875 में, उसी के बाद कैडस्ट्रल में प्रावधान है, तो बाउंड्री डिस्प्यूट से संबंधित उसमें भी अधिकार दी गई है। इस तरह से किश्तवाड़ करके खानापूरी करते हुए सुनवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन की ओर पहुंचते हैं। खानापूरी का सर थोड़ा शॉर्ट में बताइए, किश्तवाड़ का जो काम हुआ रहता है जो भी, हाँ तो उसके बाद आप देखिए अब किश्तवाड़ के बाद अब खिसरा बन गया, तो बन गया तो फिर एजेंसी नया मैप देगा, तो प्लॉट नंबर एक पर जाएंगे, हमसे पूछेंगे कि भाई आपका है, तो आप बोलेंगे मेरा है, तो आपको ये भूमि कैसे किस स्वामित्व से मिला उसकी साक्ष्य आप देते हैं, उस हिसाब से हम अगर बोलेंगे कि नहीं मेरी खानदानी है, मेरे दादा के नाम से खतियान था, हम पोता है, तो आप वंशावली देंगे। सर वो तो प्रपत्र दो में यादाश पंजी का संधारण कर खेसरा पंजी का निर्माण किया जाता है प्रपत्र 6 में, तो उसी टाइम का प्रूफ सर अभी लिया जाएगा ना खाना। हाँ, हाँ, उसी वो प्रूफ तो उसी समय सबमिट कर देगा वो लोग उसी समय, मतलब बेसिकली किश्तवाड़ में जो भी काम हुआ है और खानापुरी में उसका अचीव मतलब क्लेम लिया जाता है और उसको स्वामित्व का निर्धारण किया जाता है, समझ गए? ओके चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, और कोई है तो एक, हाँ आप लोगों से नहीं, दो नंबर पेज पर आप लोगों से, हाँ मोहम्मद अफ्ताब आलम जी बोलिए। हेलो अफ्ताब जी अनम्यूट कीजिए आप अपना, हाँ बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। आप, हाँ आफ्टरनून सर, ये बोल रहे थे कि जो अभी आपने सर पढ़ाया ये अस्थाई भंडार पंजी वाला, अस्थाई और अस्थाई, तो अस्थाई में सर जो मतलब ये जो करेंट में जो भी सामान वगैरह जो खरीदाएगा, जो फर्नीचर होगा अलमीरा होगा वो अस्थाई पंजी हो गया, अगर ये चीज आपके शिविर में अगर मिल गया तख्ती तिरपाई जो क्या है वो अस्थाई है वो इंची होगा, कागज पेन वगैरह जो खरीदेंगे आप डस्टबिन वो टेम्पररी अस्थाई पंजी में जाएगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आप लोगों से, हाँ बोलिए यशवंत राजे। बोलिए यशवंत राजे इधर गए नहीं है, दो नंबर पेज पर जाइए, दो पर जाइए ना, नहीं था यशवंत जी। हेलो, हाँ हेलो बोलिए, आ रही है आवाज। हाँ सर हम अफ्ताब आलम ही बोल रहे हैं। बोलिए अफ्ताब आलम जी। हाँ सर, जैसे आप बोले थे कि कोई भी रैयत का अगर दो जगह जमीन है सर अलग अलग, तो उसमें एफ और एस जो है चिन्हित कर देना है, दोनों प्लॉट दूर होगा तब कैसे कीजिएगा, सटे हुए होगा दोनों खेत जो है एक ही रैयत का है तो है जो किश्तवाड़ में आया, तब एस लगा कर जो है एक प्लॉट बना देंगे, मतलब एक जगह होगा सर एक रैयत का, उसी जगह पे बहुत सारा अगर जमीन होगा तो उसमें कर सकते हैं, उसी में कर सकते हैं, लेकिन एक गांव में अगर उसका और भी जमीन होगा तो उसको वो नहीं होगा, एक जगह नहीं कर सकते ना सर। नहीं, थैंक यू सर। ओके चलिए अरविंद कुमार जी बोलिए। नमस्कार सर। नमस्ते सर, आपने आकस्मिक अवकाश की बात की है सर, छुट्टी का आपने कैजुअल लीव की बात की, तो सर हम लोग सेन में मेडिकल लीव या फिर अर्न लीव सब नहीं आता है क्या सर? नहीं, अर्न लीव नहीं आता है आपके लिए। और मेडिकल लीव?
मेडिकल लीव तो 5 दिनों तक मिलेगी, आप आकस्मिक अवकाश में जाएंगे, अगर लंबे चले जाएंगे तो आप विदाउट पे हो जाएंगे। जी जी, वही सर वही पूछ रहे थे, कैजुअल लीव सर। और एक और क्वेश्चन था सर, सर क्या हम लोग जब किसी राजस्व ग्राम का सर्वेक्षण करने जाएंगे भ्रमण करने के लिए और पर्सनल गाड़ी से जा रहे हैं सर, तो क्या उस पे हम विभाग का नाम दर्ज करवा सकते हैं एज अ कानून को? नहीं, बिल्कुल नहीं। निजी गाड़ी पर किसी को भी नहीं कराना है, पदाधिकारी भी है तो उन्हें भी नहीं। आप ये जान लें कि पीली बत्ती भी अब सरकारी गाड़ियों में नहीं लग रही है। निजी वाहन पर किसी भी विभाग या पुलिस डिपार्टमेंट भी पुलिस स्टिकर भी नहीं लगाता है, उसको भी मना है। या फिर कोई लगा रहा है तो गलत। अगर हम अपने अपने ग्राम में जाते हैं, अपना पर्सनल वाहन है, हम आई कार्ड मिलेगा आपको, आई कार्ड मिलेगी आपको, जहाँ जरूरत होगी आई कार्ड अपना दिखाएंगे। सर हम लोग क्या गजेटेड ऑफिसर है क्या सर? मतलब नहीं, गजेटेड ऑफिसर नहीं है। सच तो यही है कि गजेटेड ऑफिसर नहीं है। नहीं है सर? नहीं। तो फिर मतलब बोलिए। हाँ सर, हम लोग किस क्लास में आते हैं सर, ग्रुप ए बी या सी, क्या मतलब? आप हमारे यहाँ संविदा पर नियोजित हो रहे हैं, बस इतना ही जान लें। चलिए इतना सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। चौथे पेज पे चलिए। हाँ हाँ बोलिए सत्य प्रकाश जी। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो, आवाज जा रही है सर? हाँ आवाज आ रही है। तो सर पहले आपको बधाई हो मेरे तरफ से सर, कि आप बताएं कि ये जो नियुक्ति हो रही है संविदा पे 60 साल अधिक वर्षों के लिए होगी, इसकी बधाई आपको सर। मेरा एक क्वेश्चन करना सर, आप बता रहे थे सर कि ईच हेड के लिए मतलब कि अलग अलग खर्च की व्यवस्था की गई है, तो यहाँ जो वीडियो होगा डाइन डिस्पर्सन ऑफिसर का जो कॉस्ट होगा सर, वो किसके अंडर में होगा? वो उसके लिए जो है वो आपके सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हैं, उनको कुछ मिलेगी आमंत्रण, वो खर्च करेंगे कंटीजेंसी में जाए। हाँ चलिए। एक और मनोरंजन कुमार जी बोलिए। हाँ बोलिए मनोरंजन जी। हेलो हेलो, नहीं जोड़ रहा है। नेक्स्ट छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, फिर आते हैं मनोरंजन जी, आपके पास समय होगी या नोट करके रखिएगा। हाँ हाँ चलिए। नहीं आप जुड़ रहे हैं 5 नंबर पेज से, चलिए जल्दी जल्दी। हाँ यहाँ देखिए नेहा रानी जी हैं, बोलिए नेहा जी। हाँ मिल आपसे बात कर रहे हैं सर। कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय होंगे और परमानेंट एम्प्लॉय होंगे, इनमें जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट रूल लगेगा, इनमें फर्क क्या है? मतलब की कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए क्या है और परमानेंट के लिए कुछ तो फर्क होगा। अब हम लोग परमानेंट स्टाफ हैं, हमारी नियुक्ति एक बार हो गई तो हमको अब रिन्यूअल कराने की जरूरत नहीं है, सारी सरकार की सेवा शर्त हम पर लागू होगी। आपका आप कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, आपकी पेंशन की सुविधा आपको नहीं मिलती है, जीपीएफ आपका ये सॉरी LIC की सुविधा नहीं है, इस तरह का है सब। पीएफ वगैरह कुछ इस तरह पीएफ के लिए, पीएफ के लिए चल रही है संविदा वाले लोगों के लिए, हाईकोर्ट से निर्णय हुआ। हाँ वो पीएफ भी कटेगा और हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो होते हैं कुछ हाँ। इस तरह से वो तो आपका सेवा शर्त में आप तो देखी होंगे, जो नियोजन निवाली बनी थी जो आपका प्रकाशित हुआ था उसमें सारी चीजें दी गई है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पर। हाँ बोलिए, कोई आप लोगों से? हाँ बोलिए। सब कॉमन प्रश्न है, आप लोग ऐसा नहीं है, सब लोग गौर से सुने लाभान्वित हो जाएंगे। हाँ बोलिए शरमवीर जी। ये सर आप जैसे बता रहे थे, हम लोग का ज्वाइनिंग का प्रोसेस के रिगार्डिंग कुछ विभाग में बात हो रही है? हाँ बात चल रही है, संचिका चल रही है, अभी लॉकडाउन समाप्त हुआ है, जैसे ही उच्च पदाधिकारियों से निर्देश प्राप्त होगा आपको सूचना दी जाएगी और उम्मीद करते हैं कि शीघ्र ही आपको योगदान कराया जाएगा। चलिए। और सर शिविर का जो बोल रहे थे, हाँ शिविर का गठन कहाँ किस क्षेत्र में होगा? शिविर आप ब्लॉक लेवल पर काम करना है तो शिविर का गठन वही ना होगा, आप अपने जो है। नहीं नहीं मैं देख रहा था सर कि कुछ कुछ ब्लॉक में दो दो तीन तीन शिविर। हाँ शिविर, हाँ दो दो शिविर भी है, बड़े ब्लॉक है तो 2 शिविर है, छोटे ब्लॉक है तो 1 शिविर है। चलिए हेलो। हाँ यहाँ देखिए निधि पांडे जी हैं। हाँ बोलिए निधि जी, आ रहे अभिषेक कुमार। हाँ बोलिए। हेलो।
हाँ बोलिए सर, थोड़ा बास्केट पर्चा के बारे में सर थोड़ा बता दीजिए। बास्केट पर्चा? जी जी जी। ये बास्केट पर्चा जमींदारों के समय में था, 1947 में आया था ये कानून। उस समय जो दो तरह के थे आपके, क्या होम स्टे, देखिए हम भी प्रिविलेज पर्सन जो टेन्योर मैंने महाजन नहीं हो, मैंने टेन्योर नहीं हो, अंडर टेन्योर होल्डर नहीं हो, उनको बास भूमि के अलावे एक एकड़ से अधिक भूमि नहीं हो, वो आपके प्रिविलेज पर्सन थे। और एक प्रिविलेज टेनेंट होते थे जो एक अपने उनके अधीन प्रिविलेज पर्सन को वो जमीन बास भूमि दे सकते थे, उनसे लगान प्राप्त कर सकते थे। तो उसी स्थिति में ये उसका कंडीशन था और वो जमीन उनको बास्केट पर्चा के रूप में प्रपत्र जी में मिलता था, वो वितरण होती है। उसके लिए समाहर्ता है, समाहर्ता के शक्ति के रूप में अंचल अधिकारी ही बास्केट पर्चा देते हैं और रैयत को सूचना देते हैं। सूचना देकर जिनके पर आप बसे हुए उनको सूचना देकर लगान के 24 गुना उनको भुगतान किया जाता है और आपको बास्केट पर्चा दिया जाता है। मोटे तौर पर इतना ही जान लें है। आप उसमें भी है कि यदि आप बिक्री करना चाहते हैं तो समाहर्ता की अनुमति से बिक्री करेंगे है, वह है, मगर आप स्वतंत्र रूप से जमीन को बिक्री नहीं कर सकते हैं। चलिए ओके सर। ओके हाँ बोलिए दिनबंधु जी, इधर है सनी लता जी। हाँ बोलिए दिनबंधु जी। हाँ सर, मेरा सवाल ये है सर कि जो खाना पूरी इस बार खाना पूरी और सुनवाई और लगान जो होगा उसमें सर मतलब प्रपत्र एक से लेकर प्रपत्र 22 तक की प्रक्रिया इस चारों में मतलब प्रक्रिया होगी सर? सब में कैसे होगी? सभी प्रपत्र जो प्रपत्र एक से लेकर 22 तक है, हर प्रक्रम का अलग अलग ना प्रपत्र है। आप खानापुरी की बात करते हैं तो खानापुरी में यादाश्त पंजी का संधारण होता है प्रपत्र 3-2 में, प्रपत्र 6 खेसरा पंजी का संधारण होगी। अगर आप फिर उसके बाद खानापुरी पर्चा प्रपत्र 7 वितरण करते हैं तो प्रपत्र 8 में आपत्ति ली जाती है और आपत्ति के बाद तत्पश्चात आपके द्वारा सुनवाई किया जाएगा। उसकी सूचना 11 में निर्गत करते हैं, 10 में एंट्री होती है, 9 में पावती देते हैं। आप जब वो कार्रवाई समाप्त हो जाती है तब प्रारूप प्रकाशन प्रपत्र 12 में किया जाता है और प्रपत्र 12 में प्रारूप प्रकाशन के लिए आपकी विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी के हस्ताक्षर से प्रपत्र 13 में एक सूचना निर्गत की जाती है कि भाई हम प्रकाशित कर रहे हैं, जो भी रैयत हैं, हितवद रैयत हैं या किसी लोक केंद्र सरकार के उपक्रम हो, राज्य सरकार का उपक्रम हो या कोई लोक प्रतिष्ठान हो, वो आपत्ति देंगे प्रपत्र 14 में और वहां भी पंजी का संधारण किया जाता है और सूचना निर्गत की जाती है प्रपत्र 17 में और सुनवाई करके होती है। तत्पश्चात प्रपत्र 18 और 19 बनता है और इसी बीच में 18 क में लगान दर तालिका तय की जाती है। लगान दर तालिका का भी प्रकाशन किया जाता है, 15 दिनों में आपत्ति ली जाती है, उन आपत्तियों को विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी के द्वारा निष्पादन किया जाता है। निष्पादन हो जाने के बाद उसकी जब फिर वो भेजेंगे प्रभारी पदाधिकारी के माध्यम से बंदोबस्त पदाधिकारी को स्वीकृति के लिए, संपुष्टि के लिए। अगर बंदोबस्त पदाधिकारी संतुष्ट हो गए तो वो उसे संपुष्ट कर देंगे, यदि नहीं होंगे तो पुनर्विचार के लिए नीचे भेजेंगे, तब जाकर सहायक बंदोबस्त अधिकारी पुनः फिर वो उसको ठीक कर भेजते हैं। जब वो संपुष्ट हो जाएगा तो 18 का फिर आपका प्रपत्र 20 बनेगा, उसमें लगान नई लगान दर तालिका जाकर इंटर हो जाएगा। ये सब जितनी काम होगी वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा, बहुत सी ऑटो जनरेटेड होगा। आप ये आप जान ले आज का जो वर्ग था कि कार्यालय प्रबंधन और डिसिप्लिनरी एक्शन गवर्नमेंट कंडक्ट रूल के बारे में जो बताया कि आप भी एक हमारी संस्थान से जुड़ते हैं, सरकारी सेवक के रूप में काम करते हैं और सरकार का आप पैसा आपको पारिश्रमिक के रूप में भुगतान किया जाता है, तो आप पर भी वही कंडक्ट रूल लगभग लागू होती है। आपको स्थानीय स्तर पर किसी भी राजनीति में भाग नहीं लेना है, किसी संघ नहीं ज्वाइन करना है, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करना है, वर्किंग आवर में नशा नहीं करना है, पान भटका गुटका नहीं खाना है, बड़े पदाधिकारी के समक्ष भी खाकर नहीं जाना है, एक फॉर्मल ड्रेस में रहना है, वहां का स्थानीय आप किसी व्यक्ति से जमीन नहीं खरीद लीजिए। ये सब गवर्नमेंट कंडक्ट रूल 1976 परमानेंट एम्प्लॉय के लिए, मत उसी तरह से फाइनेंस डिपार्टमेंट भी आपके लिए भी निकाला है, ये आप पर लागू होगा। अगर आप लोकल वहां आपने बोला कि चुपके से ले लेंगे, चुपके से लीजिएगा तो बिजनेस ट्रैप करेगा। आप अगर मोबाइल पर बात किए, आप बोल दिए, फोन किया कि सर मेरा काम हो जाएगा आपको कर देंगे, तो आप बोल दिए यहाँ कि हम अच्छा देख लेंगे हो जाएगा, तो टिप हो गया, वो टिप ले जाकर हायर पदाधिकारी को सुना देगा, आपको आएगा और जो आता है वो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग
वो बिल्कुल सिविल ड्रेस में रहेगा, वो आपके रिश्तेदार बन जाएगा किसी न किसी का, आप बनकर वेरिफिकेशन कर आपको ट्रैप करा देगा। तो इस तरह का आज की कक्षा ये थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कोई अगर है तो समय कम है। हाँ बोलिए तमन्ना जी, बोलिए क्या आप जानना चाह रही हैं? गुड आफ्टरनून सर। हाँ आफ्टरनून बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था, ये साबिक नंबर क्या होता है सर? साबिक नंबर पुराना नंबर होता है, पुराना। साबिक का मीन्स होता है पुराना। ये सर्वे की भाषा है, सर्वे में जांच मुकाबला तरतीब ये सब सुनती है ना, ठोकर मारना। आप देखिएगा जब किस सवार करने जाइएगा तो अमीन बोलेंगे कि तिमेरा चौरमेरा से जो वहां मेजरमेंट उठाकर ट्रांजेक्शन को मेजरमेंट करेंगे उसको बोलेंगे कि ठोकर मारना। ये सब सर्वे की भाषा है, साबिक मीन्स पुराना। तमन्ना जी हंस रही है। चलिए नहीं सर, रात में पढ़ रहे थे तो समझ में। चलिए तो हाँ, तो साबिक मीन्स पुराना। हाँ चलिए फिर हम लोग जुड़ते रहेंगे। आपका ये ट्रेनिंग अभी जो है, मोहम्मद सदाब साहब क्या कहना चाह रहे हैं बोलिए। बोलिए सदाब जी किधर गए? हाँ सदाब जी बोलिए बोलिए। हाँ सर मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर किसी सर लास्ट क्लास का एक क्वेश्चन था। हाँ लास्ट क्लास का। हाँ मुझे मौका नहीं मिल पाया इसलिए नहीं पूछ पाया। हाँ, सर हाँ, अगर किसी पिता के दो पुत्र है और उसका एक पुत्र जो है पिता के प्रेजेंस में ही डेथ कर गया है, हाँ, तो उसके बच्चों का क्या मुस्लिम लॉ के हिसाब से क्या उसका हक होगा? क्योंकि सर ये तो लॉ दोनों है। एकदम एकदम होगा। अगर उस पिता का देहांत हो गया तो हाँ, तो उसका दादा का संपत्ति ना हुआ? नहीं 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 सर, पिता का देहांत नहीं हुआ, बेटे का देहांत हो गया है पिता के मौजूद में प्रेजेंस में ही। आप बेटा शादीशुदा नहीं था? बेटा शादी तो जाता था, उसके भी बच्चे थे, तो क्या उसका हक होगा उसमें? हाँ उसके होगी, बिल्कुल होगी। जब उसके नाम पर संपत्ति आएगा तब होगा। लेकिन सर वो तो महरूम वाला कुछ इस तरह का टर्म आता है ये मुस्लिम एक्ट। आप तो बताए ना कि जो अगर मान लीजिए कि आप हैं और आपके पिताजी की संपत्ति है और आप जीवित हैं, आप जीवित हैं जब तक उनकी देहांत होगी तब ना आप पर संपत्ति आएगी, और इसी बीच में आपका भी देहांत हो गया और आपके बच्चे हैं उन्हें उन्हें कैसी आएगी? तब दादा का डेथ होगी तब जाकर संपत्ति ट्रांसफर होगा। इस पूरी देखिए सुन लीजिए, मुस्लिम विधि वगैरह जो है ना, आप जब जजमेंट करने चलेंगे उसे रखना पड़ेगा पास में और आपको अध्ययन करना पड़ेगा। उसकी अलग है, क्लास है बनी हुई है। हिंदू लॉ में भी है, क्लास वन है, क्लास टू है, क्लास थ्री है, इस तरह से उसकी वर्गीकरण की गई कहां किसका शेयर ट्रांसफर करेगा। तो ये सब चीजें जो है ना वो थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। कोई भी आदमी जिसको जो है ना, हम लोग भी जो सारी चीजें याद नहीं रहती है उसी स्थिति में आप अपने पास किताब रखिएगा, ये सब बुक्स रखना पड़ेगा आपको अपने पास। लेकिन सर अगर अगर लास्ट में पिता जो है उस एक जो बेटा उसका मौजूद है उसके नाम अगर जमीन करके चला गया हो, डेथ कर गया हो, अब जो चला गया तो फिर मामला न्यायालय में चला जाएगा भाई। इसी के लिए ना स्वत्व का निर्धारण मान्य न्यायालय में, सिविल न्यायालय में जाएगा। ओके चलिए ओके ओके नेक्स्ट पेज पर चलिए। नेक्स्ट पेज पर थोड़ा सा लेट शुरू हुई है, थोड़ा समय दें लोगों को एक्स्ट्रा। हाँ बोलिए सदीकी आलम जी। हाँ बोलिए। कौन सा पंजी के बारे में बोले थे सर जो मार्केट में मिलता? क्या बोले? कौन सा पंजी के बारे में बोले थे सर जो मार्केट में मिलता? और सारी पंजिया, इशू रजिस्टर, रिसीट रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर, ये सारी पंजिया जो है, जो पंजी होती है, रजिस्टर होती है, मार्केट में उपलब्ध है क्योंकि सभी सरकारी दफ्तर में इनकी आवश्यकता होती है। आप ये जान लें सभी पंजियों की संधारण कैलेंडर ईयर के मुताबिक होती है, 1 जनवरी को नई पंजिया खोली जाती है। ये वित्तीय वर्ष के अनुसार पंजियों की संधारण नहीं किया जाता है। भंडार पंजी मिल जाएगी, कैशबुक की भी रजिस्टर आती है, इंडेक्स रजिस्टर भी आती है, अटेंडेंस रजिस्टर आती है, कैजुअल लीव आती है। कैजुअल लीव की पंजियों की संधारण 3 वर्षों तक की जाती है, आप ये जान लें। इस तरह से प्रतिलिपि जो निर्गत करते हैं उसकी पंजी जो है 2 वर्षों तक उसकी लाइफ है। आप जब पढ़ेंगे बिहार फाइनेंस रूल की उसके प्रथम पेज पर ही कौन सी पंजी कितने दिनों तक संधारित रखी जाती है उसकी भी एक आयु सीमा निर्धारित की गई है। अभी जन जैसे हम लोग सरकारी सेवा में है तो हमारी एक, हम लोग पहले इक्विटेंस रोल पर वेतन लेते थे, उस पंजियों की 20 वर्षों तक उसकी लाइफ थी, विभाग को संरक्षित रूप से रखना था। आकस्मिक अवकाश आपको 3 वर्षों तक इस पंजी को रखा जाता है, ये आप जान लें। चलिए अरे फिर मिलेंगे भाई, आराम से जितनी प्रश्न कीजिए ना आप जो है, दिल खोल कर कीजिए, हम दिल खोल कर जवाब देंगे आपको जो है। चलिए सभी लोगों को मौका दीजिए आज थोड़ी। हाँ नवाब साहब बोलिए।
नवाब साजिद इकबाल साहब जी नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते, बोलिए भाई। सर मैं वसीयत के बारे में पूछना चाहता हूँ सर। वसीयत आपकी दादी दी हैं? वसीयत मतलब कितने प्रकार का होता है सर और किस किस तरीके का वो? देखिए वसीयत एक ही प्रकार की होती है, समझ लीजिए। हमारी जैसी मेरी दादी है और हम उसकी सेवा वेवा कर रहे हैं और हम चार भाई हैं, हमको वसीयत लिख दी और लिखने के बाद में उसका डेथ हो जाएगा तब वो हम वसीयतदार होते हैं। अब सिविल न्यायालय में जाते हैं और वहां जाकर एक अपना आवेदन पत्र देते हैं और वहां जो प्रवेट होती है उसको हिंदी में कहते हैं शासकीय पत्र, वो न्यायालय के द्वारा फिर उसकी सूचना वगैरह निर्गत की जाती है और प्रक्रिया अपनाने के बाद में हमें एक प्रवेट दिया जाता है शासकीय पत्र, तब जाकर उसकी उसी के आधार पर मोटेशन भी होती है। आप सर्वेक्षण में खोलेंगे भी, यह खाता खोलेंगे और वसीयत जब करते हैं उसमें दो गवाह होते हैं हम मिले। तो रजिस्टर्ड किसी सर पेपर पे करना रजिस्टर्ड है? रजिस्टर्ड होती है रजिस्ट्री ऑफिस में, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का 1908 के अंतर्गत उसका रजिस्ट्रेशन होता है वसीयत का। सर अगर मान लीजिए किसी पिता के दो पुत्र है, अगर पिता ने किसी एक ही पुत्र के नाम से सारी जमीन को मतलब सारी जमीन, अब देखिए ये जो पिता ने अपने पुत्र को देगा यदि पैटर्नल संपत्ति है कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, ये सब भी डिपेंड करता है, बहुत लंबा चौड़ा इसकी चीजें हैं। वो आपको जो पहले अगर क्लास लिया गया होगा तो बताया गया होगा। हाँ उतनी तो हमको सर्वेक्षण के दृष्टिकोण से हमको सोचना है, हमको तो टाइटल डिसाइड नहीं करना है। आपके पास कोई आया वसीयतदार आया अपना वसीयत का पेपर लेकर, उससे पूछें कि इसका प्रोवेट कराए कि नहीं, अगर प्रोवेट का पेपर दिया तो कहो कहिए आप उसको कि सच्ची प्रतिलिपि आप निकाल कर सिविल न्यायालय से लाएं ताकि ये पता चल जाए कि वो प्रोवेट की पेपर फेक तो नहीं है। सर वसीयत का पेपर किस तरीके का होगा सर, हम कैसे निबंधित होगा? निबंधित होगा। अच्छा अच्छा, निबंधित भी होती है अनरजिस्टर्ड भी होती है, तो अनरजिस्टर्ड होगी तो पूरी तरह से प्रोवेट होनी चाहिए आप समझ लीजिए, और किसी भी स्थिति में। हाँ उसी उसी आप मुस्लिम समुदाय के हैं, वहाँ हिब्बा भी होती है, हिब्बा में भी अलग अलग कंडीशन है। जी जी चलिए नेक्स्ट। हाँ बोलिए मुकेश जी, कुछ प्रश्न करना चाह रहे हैं क्या आप? नहीं वो नहीं है, नेक्स्ट पेज पर 13 नंबर पेज पर चलिए। और कोई नहीं है? दो नंबर पेज पर एक छूट रहा था, याद देखिए तो दो नंबर पर। हाँ बोलिए मुकेश जी, क्या प्रश्न कर रहे हैं आप? समय समाप्त हो गई है, अब चलते चलते एक अंतिम प्रश्न आपका ले लेते हैं। सर मेरा पिछला क्लास का एक क्वेश्चन था। पिछला क्लास का प्रश्न है तो भाई आपको जवाब देना ही होगा मुझे। चलिए सर ये कह रहे थे किसी माता पिता का देहांत हो गया, अगर उसके दो पुत्र और दो पुत्र में एक पुत्र भी मर गया और उसकी पत्नी जिंदी है जिंदा है अभी, तो उसमें उसकी पत्नी को हक मिलेगा सर? बिल्कुल मिलेगा, हम दो भाई हैं। बिल्कुल मिलेगा भाई। वो औरत उसे हक मिलने के बाद अगर दूसरी शादी कर लेती है तब सर? तब भी मिलेगा, वो भी है समझ लीजिए। और आप जान लीजिए कि 9 सितंबर 2005 के बाद कोई भी बेटी जन्म लेती है उसका भी अधिकार बनता है, आप ये जान ले। और उसके पूर्व अगर फादर उसकी डेथ कर गए तब उसका अधिकार बनेगा। चलिए अब बहुत बहुत धन्यवाद।